बच्चों से अपेक्षा करते हैं उतनी अपेक्षा पर वो खरे उतरते हैं। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा अपेक्षा करनी चाहिए, लेकिन उनके पोटेंशियल, एटलीस्ट वी शुड मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल, राइट। ऐसे नहीं कर सकते कि 10वें मंजिल से आपको ढकेल दिया और अब उड़ते उड़ते मंदिर जाओ, वो कभी होगा नहीं, क्योंकि पोटेंशियल नहीं है वो। लेकिन कोई इनोवा कार है और अपने आप को लूना समझ रहा है या फिर MAT समझ रहा है, तो कम से कम इनोवा एक मारुति ऑल्टो बन सकता है, स्विफ्ट बन सकता है, और यदि हम इन सिंक विद द मैसेज है तो इनोवा भी बन सकते हैं। हेलीकॉप्टर शायद नहीं बन पाएंगे, लेकिन तो इसीलिए जीवन में ऐसे व्यक्ति होना कि जो हमसे अपेक्षा करे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो हम तो फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑलवेज इज, व्हाट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स? इम्पॉसिबल, राइट। बट देन वही बार बार सुनने के बाद थोड़ा लगता है कि हाँ पॉसिबल है, इतना बात कर रहे हैं तो शायद पॉसिबल हो सकता है, और कुछ उसको आगे चलकर कुछ होगा आगे चल के इस प्रकार से। तो जो 2024 का जन्माष्टमी और 23 का जन्माष्टमी अलग है, एक प्रकार से एक ही है, क्योंकि हम वही भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। परंतु अलग इस प्रकार से है कि 2023 और 24 के जन्माष्टमी के बीच हमारे दो बहुत महत्वपूर्ण वैष्णव हमारे साथ नहीं है, तो ये पूरा क्लास हम इन वैष्णवों को डेडिकेट करते हैं। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, और हरगृह सत्यवती माता जी की जय। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई जन्माष्टमी हम इनके बगैर मनाए। महाराज जी यहाँ पर जीवित थे, और जो इस्कॉन पुणे का नींव रखी है वो तो महाराज जी, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, राधेश्याम प्रभु, लोकनाथ स्वामी महाराज, इनके माध्यम से ही यहाँ पर रखी है। तो हमने इस कॉन को देखा है करीबी से, राधेश्याम प्रभु ने प्रचार किया 1994-95-96 में, तो 96 से लेकर 2024 तक लगभग 28 साल का जो ये जर्नी है, प्रवास, बहुत विस्मयजनक प्रवास है। ऐसा इस प्रकार का वातावरण भगवत भक्ति से पूर्ण शायद ही कहीं मिलेगा, इसीलिए लोग छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अभी छोड़ने का आदेश है तो शायद इधर उधर जाएंगे लोग, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण महाराज जी, उनका जो आखिरी यहाँ पर आविर्भाव था, यहाँ पर थे महाराज जी, इतना सुंदर क्लास दे रहे थे महाराज जी, और वहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में टारगेट भी बढ़ा रहे थे, पीठ भी थपथपा रहे थे, और इट वॉज अ ग्रेट फीस्ट टू अटेंड महाराज जी क्लास। तो उनके ही मुखारविंद से हम सुनते हैं आज का जय राधा माधव। सो जस्ट रिलैक्स, एंजॉय। जो इंस्ट्रक्शन था वो अभी मिल गया है, तो इसमें, ये क्लास में, कथा में कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं है, हम सिर्फ लीला और इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी, इतने शक्तिमान वैष्णव थे, और यहाँ पर आकर हजारों की संख्या में लोगों को प्रभावित करते थे भगवत भक्ति के पालन के लिए। और अब हम आगे देखते हैं कि एक छोटा सा वीडियो है हरगृह सत्यवती माता जी का। हरगृह सत्यवती माता जी की जय।
तो माता जी भी बहुत एक जबरदस्त प्रचार किए, हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु वहाँ पर जाते थे अथर्व प्रोग्राम, और ये बहुत फेमस प्रोग्राम था अथर्व प्रोग्राम, जहाँ से अनेक काउंसिलर्स वहाँ पर उत्पादित हुए, भक्तिर उत्पद्य थे पुंसम इस प्रकार से, और पूरा इस प्रकार से इस्कॉन का जो प्रचार कार्य है बहुत शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ा। तो हम ये कृष्ण भावना सीरीज में हैं और आज तक हमने इन सारे वैष्णवों से पढ़ा है, और आज हम देखेंगे कि तत्व और रस क्या है श्रीमद् भागवत में, ठीक है ना। तो श्रीमद् भागवत का वर्णन भागवतम में और चैतन्य चरितामृत में आता है, और भागवतम में अनेक तत्व और अनेक रसों के बारे में चर्चा की गई है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, पढ़ते हैं इसको। कृष्ण तत्व भक्ति तत्व प्रेम तत्व सार, कृष्ण तत्व भक्ति तत्व प्रेम तत्व सार, भाव तत्व रस तत्व लीला तत्व आर, भाव तत्व रस तत्व लीला तत्व आर, श्री भागवत तत्व रस करिला प्रचारे, श्री भागवत रस तत्व भागवत तत्व रस करिला प्रचारे, कृष्ण तुल्य भागवत जानिला जानाइला संसारे, कृष्ण तुल्य भागवत जानाइला संसारे। तो भागवतम ये कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने भक्तों के साथ थे, और इस प्रकार से थे कि वहाँ पर कोई भगवान का मूर्ति तो थे ही नहीं, लेकिन भगवान के कोई पिक्चर भी नहीं थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको जो ये भोग अर्पण करना है, यदि कृष्ण नहीं है तो कृष्ण तो है भागवत के स्वरूप में, श्रीमद् भागवतम को अर्पण कीजिए। और फिर भक्तों ने भागवतम को भोग अर्पण कर दिया। तो भागवतम और श्रीमद् भागवतम और कृष्ण एक दूसरे से अभिन्न है, ठीक है ना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं कि अमल पुराण, कौन सा अमल पुराण है ये? श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम के सारे स्कंद, जो सारे अध्याय है, महाप्रभु और गदाधर पंडित तो सुनते थे प्रहलाद महाराज की कथा, ध्रुव महाराज की कथा बार बार सुनते थे, इतनी बार सुनते थे कि सुनकर उनके अश्रुपात से पूरा भागवतम का जो लिखाई थी वो बह जाती थी। इस प्रकार से महाप्रभु अपने जीवन में बताते हैं कि कैसे हमें भागवत का आश्रय लेना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान से अभिन्न है, और पूरे भगवान के विग्रह को यदि हम देखेंगे तो भगवान का विग्रह श्रीमद् भागवतम का स्वरूप है, और श्रीमद् भागवतम भगवान के विग्रहों का स्वरूप है। यदि आप ये चित्र को देखेंगे, बहुत सुंदर रूप से चित्र को रखा गया है। ये भागवत सुबोधिनी से है, हिज ग्रेस गौरांग दर्शन प्रभु के चित्र ही है। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि यह श्लोक पढ़ते हैं हम। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ यदुरु नाभिश्चता तथा पञ्चम एव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्नौ कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टम् शिरोऽपि तु द्वादशस्येव भाति तमादिदेवं करुणानिधानम् तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुम् भजामहे भागवतं स्वरूपम्
तो ये भागवत का स्वरूप पद्म पुराण में वर्णित है. द फर्स्ट एंड सेकेंड कैंटो ऑफ भागवतम आर श्री कृष्णाज लोटस फीट. तो पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल है. तीसरा और चौथा स्कंद जो है वो भगवान की थाइज, थाइज को क्या कहते हैं, जांघे, करेक्ट, जांघे. क्या मैं राधेश्याम प्रभु से ही सीखा हूँ? राधेश्याम प्रभु पहले जब हिंदी में प्रवचन देते थे, अभी तो जबरदस्त प्रवचन देते हैं, लेकिन एकादश शब्द वो ऑडियंस से ही पूछते थे. ठीक है. द फिफ्थ कैंटो इज इज नेवल. पंचम स्कंद है उनके नाभि के स्वरूप है. और सिक्स्थ कैंटो जो छठा स्कंद है उनके वक्ष छाती के स्वरूप है. सेवंथ एंड एट्थ कैंटो आर इज आर्म्स. सातवां और आठवां स्कंद उनकी भुजाएं हैं. नौवां स्कंद उनका थ्रोट, थ्रोट उनका कंठ, कंठ है. और दशम स्कंद है प्रफुल्लम, उनका सुंदर मुख मंडल दशम स्कंद है. एकादशम तो ललाटपट्टम, एकादश स्कंद है वो भगवान का कपाल के भांति है. और द्वादश स्कंद है उनका पूरा सर है. आई बो डाउन टू लॉर्ड द ओशन ऑफ मर्सी हुज कलर इज लाइक द तमाल ट्री, जिनका वर्ण तमाल वृक्ष के समान है. एंड हु अपीयर्स इन दिस वर्ल्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, और सारे जीवों के कल्याण के लिए ही भगवान यहाँ पर अवतरित होते हैं. आई वर्शिप हिम एज द ब्रिज फॉर क्रॉसिंग द अनफैदमेबल ओशन ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस. इस भवसागर से तरण करने के लिए वो एक नौका हमें, एक ब्रिज हमें प्रदान करते हैं और भागवतम के स्वरूप में स्वयं को विस्तारित करते हैं. तो बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी का भी जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था भागवत का लेखन, भागवत के ऊपर तात्पर्य लिखना. प्रभुपाद जी एक बार अपने सारे भक्तों को बुलाए और कहने लगे कि देखिए अभी हमारे 14-15 मंदिर बन गए हैं, तो आप इन मंदिरों को आगे बढ़ाओ और मुझे रिटायर कर दो. तो भक्त कहने लगे आपको रिटायर करना है तो क्या करेंगे प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी कहने लगे मैं भागवत के तात्पर्य लिखूंगा. तो प्रभुपाद जी 2-3 दिन रिटायर भी हो गए. और बाद में इतना बड़ा प्रॉब्लम आया, फिर से प्रभुपाद जी के पास सब लोग आ गए और प्रभुपाद जी फिर से मैनेजमेंट में आ गए. तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सिंस द भागवतम इज नॉन डिफरेंट देन लॉर्ड कृष्णा, जस्ट एज वन टेक्स दर्शन ऑफ द डीटी ऑफ कृष्णा ग्रेजुअली फ्रॉम द लोटस फीट टू द लोटस फेस, वन हैज टू स्टडी श्रीमद भागवतम स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द फर्स्ट कैंटो टू द लास्ट. तो भागवतम का जब अभ्यास करते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप अभ्यास करना चाहिए भागवतम का. तो जो प्रथम रस है भागवतम का, उसके लिए तो हम, प्रभुपाद जी अलग तात्पर्य में ऐसे भी लिखते हैं, भागवत एक आइसक्रीम के समान है, आइसक्रीम कैंडी केक समान है, जिसको कहीं से भी, यदि आपके हाथ में आइसक्रीम कैंडी है तो कहाँ से आप आरंभ करते हो? अभी आइसक्रीम आज के दिन वर्जित है, लेकिन कहीं से भी आरंभ करो उतनी ही वो स्वीट है. उसी प्रकार से जो द फर्स्ट टेस्ट इन भागवतम वी शुड टेक फ्रॉम स्मॉलर पार्ट्स ऑफ भागवतम. जैसे कृष्ण रसायन में हम कवर करते थे, राधेश्याम प्रभु कवर करते थे, पहले एक छोटा वाला पार्ट लिया सौभारी मुनि, वो एक चैप्टर का ही अध्याय है, बाद में दूसरा पार्ट लिया दो चैप्टर्स आता है, बाद में अम्बरीश महाराज लिया 2-3 चैप्टर आते हैं, तो हमें भी थोड़ा पता चलता है भागवतम क्या है. थोड़ा पहला कैंटो से पढ़े, थोड़े चौथे कैंटो से पढ़े, थोड़े सातवें कैंटो से पढ़े, तो इस प्रकार से भागवतम की जो है यू गेट द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू भागवतम. और उसके बाद हमें श्रीमद् भागवतम को प्रतिदिन क्रमशः पढ़ना चाहिए. जिस प्रकार से हम भगवान का दर्शन लेते हैं तो भगवान का दर्शन उनसे चरण कमलों से आरंभ होता है और धीरे धीरे हम उनका दर्शन लेते हैं ऊपर, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम को हमें बहुत गहराई से और क्रमशः पढ़ना चाहिए. हमारा एक मॉर्निंग रीडिंग प्रोग्राम है जो प्रभु जी बता रहे थे, उसको कहते हैं हम स्पोर्ट. स्पोर्ट मतलब खेलना. तो श्रील प्रभुपाद ऑनलाइन रीडिंग टर्मिनस SPORT, तो हम अलग प्रकार से खेलते हैं उसमें. तो खेलने से क्या होता है, खेलने से हमारे मसल्स बिल्ट होते हैं, लोगों को बहुत आनंद आता है. और इसमें क्या होता है कि खेलने से पीपल लुक फॉरवर्ड, लोग कहते हैं कि अभी IPL कब चालू होने वाला है, IPL के बाद नेक्स्ट वर्ल्ड कप कब चालू होने, यू लुक फॉरवर्ड द गेम, यू लुक फॉरवर्ड द प्ले. उसी प्रकार से यदि हम प्रभुपाद जी के पुस्तक हम पढ़ेंगे, 20 मिनट पढ़ेंगे, देयर इज अ रूल ऑफ 18. किसी को पता है रूल ऑफ 18 क्या कहते हैं? रूल ऑफ 18 से बहुत पावरफुल रूल है. यदि आप कोई कार्य 18 मिनट हर दिन करें, कोई कार्य यदि आप 18 मिनट हर दिन करें, तो आप जरा मोबाइल निकालिए, उसमें लिखिए 18 × 365, 365 दिन है, ठीक है ना? तो 18 मिनट यदि कार्य आप हर दिन करेंगे, हम कोई कार्य करेंगे, डिवाइडेड बाय 60, साल में कितने घंटे हो गए?
डिवाइडेड बाई 60, हाँ 109 घंटे होते हैं। तो यदि हम प्रभुपाद की बुक 18 मिनट पढ़ेंगे प्रतिदिन, तो एक साल में 108 घंटे तक हम प्रभुपाद की बुक पढ़ेंगे। हरि बोल, बराबर है ना। अभी ऐसे कितने लोग हैं जो 18 मिनट फेसबुक पर नहीं जाते, 18 मिनट व्हाट्सएप पर नहीं जाते, ठीक है, जाना चाहिए, नहीं तो जीडीपी नीचे आएगा। ठीक है, इंडिया का एवरेज है, एवरेज इंडियन 7.5 घंटा सोशल मीडिया पर रहता है। इतना था एक बार तो मोदी जी अपने लाल किले से बोलने लगे कि हे भारतीयों, जरा कम देखो व्हाट्सएप, क्योंकि इट्स अ मेजर लॉस ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, तो यदि हम 18 मिनट प्रतिदिन पढ़ेंगे, 18 मिनट तो ऐसे जाते हैं, बराबर है ना, कि कौन सा न्यूज़पेपर खोले इसमें 18 मिनट जाते हैं, कौन सा ऐसा स्क्रॉल करते करते 18 के 180 मिनट ऐसे जाते हैं। लेकिन हमें प्रथम रूप से ये पढ़ना चाहिए, 18 मिनट यदि हम पढ़ेंगे तो एक साल में 108 घंटा भागवतम का श्रवण कर पाएंगे। तो हम प्रतिदिन, जैसे अनेक ग्रुप है, वैसे एक ही नहीं, तुलसी प्रभु उनका रीडिंग चलता है, शंकर पंडित प्रभु का रीडिंग चलता है, माताजियों में अनेक ग्रुप्स हैं, उनका रीडिंग चलता है रेगुलरली। तो कोई तो एक रीडिंग प्रोग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए, और ये रीडिंग प्रोग्राम में हम किसी का अटेंडेंस नहीं लेते, कोई फॉलोअप नहीं करते, आपका डेटा नहीं लेते। जब आप ये करोगे, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आपके टेम्पल को ही जाएगा, जो आप यदि कुछ फंड कलेक्शन करोगे तो आपके टेम्पल को, आपके लीडर को ही वो जाएगा। देर इज एब्सोल्युटली नो फॉलोअप। किस प्रकार से अटेंड कर रहे हैं ये भी नहीं देखते हम लोग। कोई सोते, अलग अलग लीला में अटेंड करते हैं, भागवतम कथा भी तो चलता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें भागवत का आश्रय लेना चाहिए। ठीक है ना, तो ये 18 मिनट आप याद रखिए कि प्रतिदिन कम से कम 18 मिनट हम भागवत का श्रवण करेंगे, तो एक साल में 108 घंटे। तो जन्माष्टमी 2025 जब हम आएंगे तो हम भगवान को बहुत विश्वास से कह सकते कि हे भगवान, 108 माला का तो जब करते ही हम लोग, 108 मने वाली माला का, लेकिन ये साल हमने 108 घंटा भागवत भी पढ़ा है। हरि बोल। और 108 घंटा भागवत पढ़ने के लिए आपको कुछ उटपटांग चीज करने की जरूरत नहीं है, बस एक नियम बनाना है कि मोबाइल हाथ में लेने से पहले 18 मिनट भागवतम पढ़ना है। ठीक है, पहले बिफोर वी क्लिक ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जो आपका फेवरेट चैनल है, ठीक है, क्या करना है हमें, 18 मिनट भागवतम पढ़ना है। और यदि हम खुद से पढ़ नहीं पाते तो इतने सारे रीडिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए। आदत लगती है ऐसे रीडिंग करते 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 करते। 4-5 साल से हम रीडिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, तो प्रभुपाद जी के 25 पुस्तक हमने समाप्त किए 18 मिनट पढ़कर प्रतिदिन, 20 मिनट पढ़कर। देखो ना, 5 साल 108 × 5, 440 आवर्स, कौन पढ़ता है 440 घंटे प्रभुपाद जी की पुस्तक? पढ़े किसने? बहुत सारे लोगों ने पढ़े लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन यदि हम भक्तों के संग में आएंगे और थोड़ा सा करेंगे, हम क्या करते हैं कभी कभी एक बहुत बड़ा प्लान करते हैं कि प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ना है और 6 घंटा पढ़ते हैं, और बाद में इतना नरिशमेंट मिलता है, इतना नरिशमेंट मिलता है कि अगले 3 महीने तक भूल जाते हैं प्रभुपाद जी की पुस्तक को। बाद में फिर से हीट आता है भौतिक जगत का, फिर से ऐसे लगता है कि बाप रे पूरा हिल गया भक्ति, तो क्या करते हैं फिर से 3-6 घंटा पढ़ते हैं। लेकिन यदि आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्या है, 6 घंटा डिवाइडेड बाय 90 डेज, कुछ एवरेज नहीं है, वो वेरी पैल्ट्री एवरेज। इसके बजाय यदि हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के पुस्तक, तो बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी, तो भागवतम जो है उसमें 10 टॉपिक है, तो इस श्लोक को भी बोलते हैं, यत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषण ऊतयः मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो भागवत के ये 10 विषय है, तो यहां पर लिखते हैं सर्ग, सर्ग मतलब क्रिएशन, विसर्ग, विसर्ग मतलब सब क्रिएशन, सर्ग मतलब जो आद्यावतार, जो प्रथम पुरुष जो करते हैं महाविष्णु, उसको सर्ग कहते हैं। बाद में ब्रह्मा जी जिसका निर्माण करते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। इसलिए आप देखिए ये चित्र में यहाँ पर महाविष्णु दिखाए हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी दिखाए हैं। पर बाद में स्थान, स्थान मतलब जो यूनिवर्सल क्रिएशन है,
अनेक ग्रहों को पालन करना, बाद में पोषण, भक्तों का पोषण करना, ऊतयः द क्रिएटिव इम्पेटस किस प्रकार से कार्य करता है, उसके बाद मनवंतर कथा, मनवंतरों के बारे में वर्णन है मनु के बारे में, बाद में ईशानु कथा भगवान के बारे में चरित्र का वर्णन है, एनिहिलेशन निरोध मुक्ति लिबरेशन, और बाद में आता है आश्रय। तो आश्रय तत्व जो है वो दशम स्कंद है, ठीक है ना, और ये दशम स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है। सारे स्कंद महत्वपूर्ण है लेकिन भागवत विशेष रूप से कृष्ण के बारे में जानकारी है। भागवत में कितने अध्याय है, कन्हैया कृष्ण प्रभु बता रहे थे उनके क्लास में, कितने अध्याय भागवत में, कितने स्कंद है, 12 स्कंद है, कितने अध्याय भागवत में, 335। 335 अध्याय में से 90 अध्याय जो है कृष्ण लीला को समर्पित है। दैट इज मोर देन, नो नो, 9 × 4 360, राइट, इट इज मोर देन 1/4, ऑलमोस्ट लाइक 30% ऑफ भागवतम इज कृष्ण लीला। और बाकी स्कंद में भी कृष्ण का वर्णन आता ही रहता है यहां वहां, ठीक है ना। तो भागवत जो चरित्र, भागवत जो ग्रंथ है वो विशेष रूप से कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण लीला को समर्पित है। क्यों ऐसे है, क्योंकि भगवान तो अनेक अवतारों में आते हैं, अवतारो ही असंख्यानाम, परंतु भगवान का जो विशेष रूप से नर अवतार है, नर वपु में अवतार है, उसमें भक्त उनसे आदान प्रदान कर सकते हैं। अवतार का शब्द, अवतार का अर्थ क्या है, लोगों को लगता है कि कुछ नहीं, सब कुछ ब्रह्म ज्योति है, सब कुछ प्रकाश है, और जब भगवान आते हैं यहां पर तो कोई आकार लेकर आते हैं, ऐसे नहीं कहते। भगवान वहां पर विद्यमान है, कहां पर, भगवत जगत में, और वहां से जब नीचे आते हैं, जैसे आप 20th floor 20वें मंजिल पे हो और आप 20वें मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर आते हो, तो 20वें मंजिल पे जब व्यक्ति होता है तो उसको आकार होता है, वो प्रकाश होता है, आकार होता है ना, राइट, और जब नीचे आता है तो भी आकार रहता है, और बाद में 20वें मंजिल पे जाएगा तो आकार रहेगा या प्रकाश होगा, आकार रहेगा। उसी प्रकार से भगवान वहां पर भी आकार है और नीचे आते भी आकार में है, और ऐसे नहीं है कि कुछ टेम्पररी इनकार्नेशन है, प्रकाश ने मत्स्य का रूप लिया, मत्स्य अवतार हो गए, बाद में विलीन हो गए प्रकाश में, वराह का रूप लिया, नहीं, मत्स्य अवतार वहां है, कहां, वैकुंठ जगत में, परम तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ताद्। तो वहां पर मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, राम अवतार है, अच्छा है ना, राम अवतार भी वहां पर है साकेत धाम में, वहां पर लक्ष्मण जी है, सीता मैया है, हनुमान जी वहां नहीं है, यहां है हनुमान जी किम पुरुष लोक में, लेकिन ये सारे अवतार वहां है, ऐसे नहीं है कि सब कुछ ये कुछ तो भ्रम चल रहा है, नहीं, और वहां से यहां पर अवतरित होते हैं। परंतु सारे अवतारों में जो नर वपु अवतार है उसमें ज्यादा आदान प्रदान होता है, जैसे नरसिंह देव प्रहलाद को रक्षण करते हैं, उनसे बात करते हैं। आप यदि नरसिंह क्षेत्र जाएंगे, हमारे शंकर पंडित प्रभु अलग अलग जगह यात्रा लेकर जाते हैं, तो नरसिंह क्षेत्र में यात्रा लेकर गए थे वो, तो वहां पर आप देखेंगे नरसिंह क्षेत्र में नरसिंहदेव के ऐसे अनेक रूप है, एक रूप है उनका योगा नरसिंह, जो प्रहलाद को कहते हैं, अरे प्रहलाद कितना दुबले हो गए तुम, आओ बैठो इधर, मैं तुम्हें योगा सिखाता हूँ, और ऐसे करके नरसिंहदेव योगा सिखा रहे किसको, प्रहलाद जी को, ठीक है। तो जो नरवपु अवतार है उसमें ज्यादा आदान प्रदान रहता है, बाद में राम अवतार बहुत ज्यादा, और जब कृष्ण अवतार में भगवान स्वयं, तो अवतारी है भगवान, स्वयं ही है भगवान, जब कृष्ण रूप में कृष्ण आते हैं स्वयं, तो क्या होता है, उनमें सबसे सर्वोत्तम वहां पर हम ये आदान प्रदान कर सकते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर श्लोक आता है इसके लिए, इसको हम पढ़ेंगे, कृष्णे रयते कखिला सर्वोत्तम नर लीला, कृष्णे रयते कखिला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपुता हर स्वरूप गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर, गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर, नरलीलार हय अनुरूप,
कृष्णेर यदि का खेला सर्वोत्तम नर लीला, तो कृष्ण के तो अनेक लीलाएं हैं, लेकिन सारी लीलाओं में जो नर लीला है वो सर्वोत्तम कही है आचार्यों ने। अभी कैसे है यहाँ पर, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई और लीला कनिष्ठ है, परंतु इसका अर्थ ये है कि कृष्ण लीला श्रेष्ठ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि और लीला कनिष्ठ है। बींग फर्स्ट डजेंट मीन समथिंग इज सेकेंड, ठीक है। जैसे एक बार एक क्लास में कहा गया, नाउ द फर्स्ट प्रायोरिटी इज फंड रेजिंग, जन्माष्टमी इज कमिंग, दैट डजेंट मीन चैंटिंग इज सेकेंड प्रायोरिटी, बराबर है ना। तो चैंटिंग तो फर्स्ट ही है ही। तो एक चैतन्य चरण प्रभु बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि कभी कभी हम ये जान नहीं पाते कि अलग अलग प्रकार के इन्फिनिटी होते हैं, अनंत होते हैं। इन्फिनिटी को क्या कहते हैं, अनंत। तो जैसे देखिए एक ऑड इवन नंबर है, इवन नंबर आप जानते हैं ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार से इवन नंबर है। कितने इवन नंबर है, अनंत इवन नंबर है, ठीक है ना। ऑड नंबर है अभी 1, 3, 5, 7, कितने नंबर है, अनंत नंबर है। अब देखिए सिर्फ नंबर है, इंटीजर्स, नंबर ओनली नंबर्स, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने हैं, वो भी अनंत है। लेकिन जो पहला अनंत है, राइट, द इंफिनिटी ऑफ इवन नंबर्स इज हाफ द इंफिनिटी ऑफ टोटल नंबर, पता चला ना। तो आजकल मैथमेटिक्स में भी ये सिद्धांत है, उसको कहते हैं लिमिटेड इंफिनिटी एंड अनलिमिटेड इंफिनिटी। ये क्या प्रकार है, लिमिटेड इंफिनिटी अनलिमिटेड इंफिनिटी। तो ये बहुत जो श्री रामानुजन जो थे मैथमेटिक्स के बहुत सिद्धांतिस्ट, अब हम एक बात जानते नहीं है, रामानुजन कहते थे कि मैथमेटिक्स का प्रत्येक सिद्धांत मेरे लिए महालक्ष्मी देवी का प्रसाद है, मेरे लिए मैथमेटिक्स का सिद्धांत मतलब महालक्ष्मी का श्रृंगार करने जैसा है, इतने बड़े वो महालक्ष्मी की जो भक्त थे। हमारे एजुकेशन में महालक्ष्मी को निकाल दिया, सिर्फ मैथमेटिक्स को रखा, ठीक है। तो ये जो बड़े लोग थे, तो इस प्रकार से ब्रह्मन अनंत है, परमात्मा अनंत है, भगवान भी अनंत है, लेकिन भगवान अनंत रूप से अनंत है, ठीक है ना। तो सारी लीलाएं श्रेष्ठ है, परंतु जो कृष्णेर लीला जो है, कृष्ण की लीला, उसे सर्वोत्तम कहा गया है। अब कृष्ण तीन जगह पर लीला करते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है अपने को यहां पर अपने संप्रदाय में। एक करते हैं मथुरा में, दूसरा द्वारका में, और तीसरा वृंदावन में। आचार्य कहते हैं कि इन तीन लीलाओं में से सबसे श्रेष्ठ लीला कहां पर होती है, तो ये अगला श्लोक है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा। तो वहां पर कहते हैं कि जो वृंदावन की लीला है वो बहुत श्रेष्ठ लीला है, और इसके प्रचंड भरपूर प्रमाण देते हैं आचार्य कैसे ये श्रेष्ठ है। इसको हम ये पढ़ते हैं, हाइएस्ट पोएट्री इज व्रज पोएट्री। काव्यम कवे काव्यम तया प्रसिद्धम, काव्यस्य काव्यम च यतोपि काव्यम, तदेव काव्यम ममास्तु काव्यम, व्रजैक काव्यम परमास्तु काव्यम। सो बहुत सुंदर रूप से चक्रवर्ती ठाकुर, यहाँ पर उनका फोटो है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर लिखते हैं कि काव्यम कवे काव्यम तया प्रसिद्धम, और सबसे जो प्रसिद्ध काव्य है वो वृंदावन का काव्य है, और ये वृंदावन का काव्य ही श्रीमद् भागवतम है। ऐसे नहीं कि वृंदावन का काव्य ढूंढने के लिए हमें कुछ राधा कुंड में जाना है, या कोई और बाबा जी के पास जाना है, या यहाँ वहाँ भटकना है, या फिर यूट्यूब पे जाना है। आजकल बहुत सारे लोग कभी कभी अननेसेसरली नेक्टर हंटिंग के लिए यूट्यूब पे घूमते हैं, ठीक है ना। वो बहुत डेंजरस है यूट्यूब पे ऐसे वैसे घूमना, क्योंकि एकादा वाक्य हम सुनेंगे, एकादा वाक्य, एकादा यू नो भगवत भक्ति के बारे में, ऐसे तो बहुत कचरा है यूट्यूब पे, लेकिन भगवत भक्ति को इंटरनेट पे ढूंढना खतरे से खाली नहीं है, वेरी डेंजरस, ठीक है ना। तो भगवत भक्ति जो है वो एक ज्ञान का परिश्रम नहीं है। ऐसे नहीं है कि हमें बहुत ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान लिया, वो ज्ञान लिया, ये लिया, सारे लीला का सारा पॉइंट पता है मुझे, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस एक यदि हम पता है, यदि हम प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ते हैं, उतना ही काफी है। जैसे देखिए कोई क्रिकेटर होता है, क्रिकेट में तो कितने शॉट्स है, हजारों शॉट्स है, लेकिन जो क्रिकेटर होता है वो एक ही शॉट को परफेक्ट करता है।
सचिन तेंदुलकर है, ठीक है ना, वो उसका कवर ड्राइव था, परफेक्ट कवर ड्राइव, बाकी बॉल को वो छोड़ देगा, एक गलत बॉल आए तो फोर रन, यू नो, और सिक्स। धोनी है, उसका कौन सा शॉट था, सबको पता है धोनी हेलीकॉप्टर शॉट था, ठीक है ना। अभी डेडली बॉलिंग होता है, वो होता है कि अभी इसको ज्यादा विस्तार से नहीं बोल सकते, रायशंभरू बैठे हैं यहाँ पर, तो उसको कहते हैं कि यॉर्कर डाल दिया, यॉर्कर मतलब डेडली बॉल होता है, वो खेल नहीं सकते, वो यॉर्कर को हैंडल करने के लिए उसने ऐसा शॉट निकाला, यॉर्कर को ही सिक्सर बना दिया, ठीक है ना। इसका भी बहुत अच्छा परपोर्ट है, एक भक्त बता रहे थे कि कैसे भगवत भक्त जो है, भगवत भक्तों में एक तीव्रता होती है, तो ये फास्ट बॉलर में एक तीव्रता होती है, उसको यदि हम सिर्फ दिशा देते हैं तो सिक्स लग जाता है। उसी प्रकार से यदि हम भगवत भक्ति में रहेंगे और भगवा जो भक्तों के संग में आएंगे तो हमारे जीवन को भी एक विशिष्ट दिशा मिलेगी, राइट। तो यहां पर हमें नेक्स्ट, तो ये बैट्समैन है तो ऐसे नहीं है कि दे आर नोन ओनली फॉर फोर और फाइव शॉट्स, उतना ही वो बात करते, उतना ही वो खेलते हैं, बराबर है ना। ऐसे नहीं है कि जो 10,000 शॉट्स है क्रिकेट के, सारे शॉट्स आने चाहिए मुझे, नहीं। तो उसी प्रकार से भगवत ज्ञान तो अनंत है, हमें ये ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए कि मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए प्रभु जी। तो इसलिए प्रभु जी एक बात बोलते थे, रिस्पेक्ट ऑल, लिसन फ्यू, फॉलो वन। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, रिस्पेक्ट ऑल, लिसन फ्यू, फॉलो वन, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, लिसन ऑल, रिस्पेक्ट फ्यू, फॉलो नन, ठीक है ना। जिस किसको फॉलो करेंगे, जो जो हमारे इसमें यू नो कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, उसको हम फॉलो करेंगे। तो ये सारे नेक्टर को प्राप्त करने के लिए हमें इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अन्य संप्रदाय में भी जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। वी आर हैप्पी विथ वॉट एवर नॉलेज वी हैव, एंड वी हैव इनफाइनाइट नॉलेज इन प्रभुपाद बुक्स, ठीक है। रूप गोस्वामी ने, जैसे कन्हैया ठाकुर प्रभु बोल रहे थे, सॉरी कन्हैया कृष्ण प्रभु, कि 1,00,000 श्लोक लिखे रूप गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने 4,00,000 श्लोक लिखे, और ये 1,00,000 श्लोकों में से 60,000 श्लोक रूप गोस्वामी के, जीव गोस्वामी ने उनको समाधि दे दी, कहा कि ये श्लोक पढ़ने के लिए कलयुग की जनता पात्र ही नहीं है, भ्रमित हो जाएंगे, ठीक है। तो आप वृंदावन में जाएंगे तो वहां पर एक ग्रंथ समाधि है, तो वहां पर अपने ही आचार्य के 60,000 श्लोक जीव गोस्वामी वहां पर समाधिस्थ करते हैं, देखिए। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट इनपुट्स वी गिव, ठीक है। तो जब हम, तो आप एक 5-6 लोग जो होंगे आपके जीवन में, आप अपने काउंसिलर से पूछिए या फिर प्रचारक से पूछिए, कौन से 5-6 लोगों को मैं सुनूं प्रभु जी, 6-7 लोग, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा ज्यादा हमें नहीं सुनना चाहिए, इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए भागवतम, और भागवतम की रचना क्यों कही गई, तो भागवतम की रचना के लिए ये 2 श्लोक भागवतम में आते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहितां यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। तो जीवन में जो अनर्थ है उसका नाश करने के लिए अनर्थ उपशमं साक्षात्, अनर्थ क्या है हम अगले स्लाइड में देखेंगे, भक्ति योगम अधोक्षजे, जैसे ही हम भगवान के भक्ति योग में लगते हैं तो सारे अनर्थों का उपशम होता है। कुछ अलग बात करने की जरूरत नहीं है, भगवत भक्ति ही हम तीव्रता से करेंगे, भगवत भक्ति ही हम गंभीरता से करेंगे तो सारे अनर्थों का नाश हो जाएगा। अनर्थ उपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानतो, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए विद्वान वेद व्यास जी ने चक्रे शाश्वत संहिता, इस शाश्वत संहिता का निर्माण किया, क्या है वो, श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम पढ़ने से क्या होगा, यस्याम, जिसको पढ़कर वै श्रूयमाणानाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते, परम पुरुष भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति का उत्पादन होगा, ठीक है। और
भक्तिरुत्पद्यते पुंसः, ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा? शोक मोह भय अपहा, उनका शोक मोह और भय पूरी तरह से नष्ट होगा। भूतकाल के लिए हम शोक करते हैं, कभी कभी हमें कोई आता है और ऐड कर देता है फेसबुक ग्रुप में अपने क्लासमेट्स का, दसवीं के क्लासमेट का फेसबुक ग्रुप, और देखते हैं ये तो वो कर रहा है, ये यहाँ गया, वो इतना घटिया आदमी था, कहाँ से कहाँ गया। लोग ऐसा मुंह छोटा करके आते हैं, प्रभु जी देखो ना फेसबुक ग्रुप, मैं छोड़ के सबका कल्याण हो गया जीवन में। ये शोक है जीवन में, कितना भी प्राप्त करो शोक होगा ही होगा, ठीक है। लाइफ इज फुल ऑफ रिग्रेट, दैट्स इट। कितना भी करो शोक जीवन में आने, शोक बाद में मोह होता है, वर्तमान की अवस्था में मोह है और भविष्य के लिए क्या है, भय है भविष्य का, पता नहीं क्या होगा। अभी ऐसे भय को नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन ऐसे एक भक्त आए, बहुत वरिष्ठ भक्त आए और कहने लगे कि प्रभु जी आपको पता है क्या, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने एकत्र आकर कहा है कि 2028 और 29 में भयंकर महायुद्ध होने वाला है। बोले अब क्या करने का, करेंगे क्या? 28-29 में ऐसी स्थिति बनने वाली है जो महाभारत के काल में होने वाली थी स्थिति, फर्स्ट डे ऑफ महाभारत बैटल वॉर। क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं? भागवत पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो शोक मोह भय अपहा, इसका अपहरण करता है श्रीमद् भागवतम। तो अनर्थ जो है, ये चार प्रकार के अनर्थ है, उसका 13 डिविजन्स में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। पहला अनर्थ है पाप, दूसरा है पुण्य, तीसरा है अशुद्ध भक्ति और चौथा है अपराध। सो पाप के 5 प्रकार है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभी किसी माता का नाम अस्मिता है तो आप बुरा मत मानिए, ठीक है। तो ऐसे ही प्रभु जी एक बार लेक्चर दे रहे थे, अभ्युदय के बारे में बोल रहे थे, यू नो द मटेरियल रिवाइवल। एक हमारे अभ्युदय प्रभु थे, तो बोल रहे प्रभु जी मेरे बारे में बोला क्या प्रभु जी ने? बोला नहीं, आपके बारे में नहीं बोला, ये नाम के बारे में बोला, ठीक है। तो ये अविद्या, अविद्या मतलब इग्नोरेंस, पूरा अविद्या। अविद्या से क्या आती है? अस्मिता। अस्मिता से आता है राग और द्वेष, और उसके बाद आता है डीप एब्जॉर्प्शन, अभिनिवेश। और यदि कोई व्यक्ति को भौतिक जगत में एंजॉय करना है, मजे लेने हैं, तो वो ये अभिनिवेश में जाएगा ही। जैसे लास्ट क्लास में हम बोल रहे थे, हमारे एक वरिष्ठ भक्त है, वो एक कथा बोल रहे थे कि वो एक IPL मैच को देखने के लिए गए, वो और उनके मित्र, ठीक है। और यहाँ पुणे से लेकर गए, वहाँ पर कहाँ पर गए, पुणे से गहुंजे ना, वहाँ पर गए DY पाटिल स्टेडियम तक, और वहाँ पर मैच था चेन्नई वर्सेस कोलकाता। अब ये है महाराष्ट्र के, गए वहाँ पर चेन्नई वर्सेस कोलकाता, और उन्हें कहा कि टिकट लिया, तो अंदर जाते उनको रोका और बोला कि टिकट लेने से कुछ नहीं होगा, आपको जर्सी लेना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आप कोलकाता वाले हो या फिर दूसरा कौन सा, अच्छा नहीं लेते दूसरा लेते हैं, ओके कौन सा, एनी अदर टीम, बैंगलोर, ठीक है ठीक, कोलकाता वाले हो या बैंगलोर वाले हो, ब्रह्मचारी भी अपडेटेड रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला अरे हम कोई नहीं, हम पुणे वाले हैं। बोले ऐसे नहीं होगा, पुणे वाले जाकर मैच देखोगे तो आपको कोई मजा नहीं आएगा, मैच का टिकट 500 रुपए, जर्सी 3000। बोले दे दो अभी जर्सी लिया, 3000। बोले जर्सी से भी कुछ नहीं होगा, आपके हाथ में झंडा चाहिए, 1000 रुपीज झंडा, और उसके ऊपर ये पॉपकॉर्न फ्री है, 500 का है, ले लो। तो ऐसा करके वो झंडा जर्सी लेकर आए, एक येलो में थे, दूसरे ग्रीन में थे, और अभी अभिनिवेश चाहिए, तो कहने लगे बैंगलोर बैंगलोर, ये कहने लगे क्या दूसरा कौन सा था, कोलकाता कोलकाता कोल, और इतना मैच में वो तल्लीन हो गए कि तो कोई तो एक टीम जीता, बाहर आने के बाद बोल रहे थे नहीं नहीं मेरा टीम जीतना चाहिए था, मेरा टीम जीतना चाहिए था, झगड़ा करके बाहर आए। कार में बैठे तो वो सोचने लगे अरे हम तो पुणे वाले करके गए थे, ये झगड़ा करके वापस आए। इसको कहते हैं अभिनिवेश, ठीक है ना। तो अभिनिवेशता ये बहुत डेंजरस है, कभी कभी क्या होता है कि ये पाप के कैटेगरी में आता है, ये अनर्थ है। ऐसे इतना डीपली एब्जॉर्ब, आजकल कंपनी में ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे नहीं बोलते कि मैं जो कंपनी में काम करता हूं माइक्रोसॉफ्ट, जैसे आई माइक्रोसॉफ्ट, पर यू माइक्रोसॉफ्ट, मतलब यू वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट, नो आई एम ओनली माइक्रोसॉफ्ट। दिस इज हाउ पीपल आर ट्रेन टू आइडेंटिफाई वेरी डीपली। और उसी प्रकार से एक जो जीव है,
अपने शरीर से उसी प्रकार से वो अभिनिवेश होता है। एक बार एक कथा आती है, एक राजा था और राजा सो गया और उसका इतना बड़ा नींद चला और उसके नींद में एक बहुत बड़ा सपना देखा उसने। और बहुत सपने में क्या था, एक बहुत सुंदर बगीचा था और राजा सपने में एक तितली बन गया और ऐसा विहरण कर रहा है, एक पुष्प से दूसरे, एक झाड़ से दूसरे पेड़ तक जा रहा है और बहुत देर तक यह सपना चला। कभी कभी चलते हैं ना अपना सपना, बहुत देर तक सपना चला और बाद में वहां पर भाट आए स्तुति करने वाले, उनको उठाया, लेकिन राजा के मन में यह सपना चल ही रहा था। और राजा उस सपने में ही ऐसा करके करके राज यहाँ पर दरबार में आए, पैलेस में, और प्रश्न करने लगे कि क्या मैं राजा हूं और सोच रहा हूं कि मैं तितली था, या मैं तितली हूं और सोच रहा हूं कि मैं राजा हूं, मैं कौन हूं? कितने लोग कहते वो राजा था, हाथ खड़े करो। अभी सबने अटेंड किया है प्रोग्राम, राइट? तो क्या वो राजा था या तितली था, क्या था वो? राजा था, राइट? लेकिन असल में क्या था, वो एक जीवात्मा था। प्रभुपाद जी कहते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डे ड्रीमिंग एंड नाइट ड्रीमिंग। बहुत सुंदर साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में प्रभुपाद जी लिखते हैं, डे ड्रीमिंग एंड नाइट ड्रीमिंग। इन द डे टाइम वी ड्रीम दैट वी आर दिस बॉडी एंड इन द नाइट टाइम वी लीव दिस बॉडी रिमोटली कंट्रोल एंड हैव सम अनदर रियलिटी। इसको कहते हैं अभिनिवेश। उसके बाद आता है पुण्य। पुण्य मतलब, पुण्य भी एक अनर्थ है क्योंकि उसके कारण हमें स्वर्ग लोक जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो पुण्य भी मतलब इसका अर्थ है कि पाप करेंगे, लेकिन पुण्य भी एक अनर्थ है। गौरांग प्रभु एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक बार यात्रा में लेकर गए थे और वृंदावन में यात्रा में गए और वहां पर जो यमुना स्नान कर रहे थे, यमुना का चित्र है, तो दीन बंधु प्रभु है वृंदावन में, वो यमुना का महात्म्य बता रहे थे। वो कह रहे थे कि गंगा में यदि आप स्नान करोगे तो आपका पाप का नाश हो जाएगा, परंतु यदि यमुना में आप स्नान करोगे तो आपके पाप के साथ पुण्य का भी नाश हो जाएगा। तो कुछ डिवोटी डर गए और डर कर बाहर आने लगे और कहने लगे कि मैंने आपका स्नान होने के बाद ही बताया है, डरो मत, अभी आपके पुण्य का भी नाश हो गया। कभी कभी लोगों को लगता है नहीं प्रभु, पुण्य अच्छा है ना, पुण्य का क्या प्रॉब्लम है? लेकिन पुण्य के कारण ही हमें अलग जन्म लेना पड़ेगा और जन्म के साथ क्या आएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके साथ अलग अलग प्रकार के एक्शंस और रिएक्शंस आएंगे। तो इसी कारण से पुण्य को भी एक अनर्थ की कैटेगरी में डाला है। तीसरा है अशुद्ध भक्ति। प्रभु जी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अशुद्ध भक्ति मतलब पूजा लाभ प्रतिष्ठा या फिर इनअटेंटिव डिवोशनल सर्विस। कभी कभी हम खुद के लिए बोल रहा हूँ ये कि बहुत इनअटेंटिवली जपा करते हैं या फिर कैसे तो कर देते हैं या फिर अलग अलग नियम लगाते हैं अपने लिए ही, ठीक है? तो ये, और चौथा है अपराध। अपराध में आते हैं नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध और वैष्णव अपराध। इन सारे अनर्थों का उपशमन साक्षात, इन अनर्थों का नाश हो जाएगा यदि हम भगवत भक्ति करेंगे और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम को हम हमारे जीवन में पढ़ेंगे प्रतिदिन। कितना मिनट? हाँ नहीं, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं लेकिन 18 कम से कम है, ठीक है ना? 18 मिनट यदि हम पढ़ेंगे तो कितना घंटा हो जाएगा साल में? 108 घंटा हो जाएगा। तो 2025 2025 जन्माष्टमी में आएंगे तो ऐसा सीना तान के, ऐसे भक्त नहीं खड़े रहते लेकिन भगवान को थोड़ा थोड़ा तो एक डिग्निटी से खड़े रहेंगे और बोलेंगे भगवान 108 हो गया, नेक्स्ट जन्माष्टमी देखते हैं शायद 216 भी हो जाएगा, पता नहीं, एक मोमेंटम आ गया है लाइफ में पढ़ने का, ठीक है? तो ये है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम का मूल उद्देश्य है एक जो जीवात्मा है उसको आशा दिखाना, होप देना, ठीक है ना? तो कुछ लीला हम पढ़ेंगे, आज सुनेंगे। एक पूतना के वध की लीला है और एक शकटासुर और तृणाव्रत की लीला, इतना ही हम पढ़ेंगे आज के प्रवचन में और देखते कैसे आगे जाता है ये। तो भागवतम में पूतना का उद्धार बहुत सुंदर रूप से आता है। पूतना के दो भाई थे, कौन थे वो? बकासुर और अघासुर। तो कन्हैया कृष्ण प्रभु बहुत सुंदर रूप से उनका वर्णन किए, बकासुर को कैसे मारा और अघासुर को कैसे मारा। लेकिन यदि आप कृष्ण को देखेंगे तो कैसे स्ट्रेटेजिकली कृष्ण करते हैं, पूतना को स्पर्श किया, बकासुर के चोंच के अंदर चले गए, अघासुर के पूरे पेट में चले गए, ठीक है ना? तो ये भगवान का स्ट्रेटजी है, धीरे धीरे करके हमारे जीवन में आ ही जाते हैं भगवान। वंस अ डिवोटी ऑलवेज अ डिवोटी, ऑलवेज रिमेंबर दिस। भागवतम कहता है कि यदि भगवत भक्ति छोड़ के कुछ मजा करने के लिए भी जाओगे, मजा करते करते वही श्लोका याद आएगा। कौन सा श्लोका? जो भगवत भक्ति में बोला है कि कैसे ये जीवन में मजा नहीं करना चाहिए, ठीक है? कोई आप YouTube लगाओगे
तो यू नो अपने भक्त का ही कुछ ये आएगा। हमारे एक डिवोटी थे, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए भक्ति में, मतलब पता नहीं कुछ कारण से हो गए फ्रस्ट्रेट, और छोड़ा कि अब कल से भक्ति छोड़ने वाला हूँ करके। और भक्ति छोड़ के क्या होता है कि हम पहले ही अनर्थों को जाते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ यू नो वी गो टू द प्रीवियस कंडीशनिंग। मतलब 25 साल के बाद भक्ति छोड़ा तो ऐसे नहीं है कि आज के एक्टर एक्ट्रेस आपको अच्छे लगेंगे, 25 साल पहले ही अच्छे वही अच्छे लगेंगे, बिकॉज योर कंडीशनिंग एंड ट्यूनिंग इज टू दैट माया, बराबर है ना। तो उन्होंने क्या किया कि पहले बहुत रेडियो सुनते थे, तो अभी बोला कि अभी भक्ति छोड़ना है तो पहले रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो लगाए, रेडियो में पहला ही गाना है उनका, वो गाना था जाओगे कहाँ भगवान को छोड़कर, ऐसा कुछ तो गाना था। तो उन्होंने बंद किया, बोला ये भगवान का ही कुछ तो आइडेंटिफिकेशन है। एक दूसरी कथा बोलते हैं कि एक हवाई में मंदिर था और वहाँ पर एक ऐसे ब्रह्मचारी थे, और वो अपना छोड़ दिया सब कुछ और कहने लगे कि अभी मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, आप सब भक्ति करते रहो, बहुत अच्छा है, हम भी आएंगे वापस, भगवान अनंत है, भक्ति अनंत है, जीव अनंत है, गाही किसको है, बोले कि आएंगे हम। तो वो क्या, वो सर्फिंग बहुत करते थे, सी सर्फिंग, और वो अपना सर्फ बोट लेकर गए, और हवाई में तो यू नो बहुत फेमस है सर्फिंग के लिए, तो वहां पर सी सर्फिंग कर रहे थे, अचानक एक शार्क आया उनके यहाँ, बहुत जबरदस्त बड़ा शार्क आया और उनकी तरफ देखने लगा, और शार्क, उन्होंने जीवन भर सी सर्फिंग किया था, कभी कोई शार्क नहीं आया था, आज ही आया वो, और ऐसा शार्क उनके इर्द गिर्द घूमने लगा, और ये ऐसे थरथराने लगे, कहने लगे कि भगवान की प्रार्थना करेंगे, नमस्ते नरसिम्हा या प्रहलाद अल्लाद, बोलने लगे कि भगवान ये शार्क से बचाओ, मैं जाकर मंदिर ही जाऊंगा वापस। और जैसे ही ऐसे प्रार्थना की, क्या हुआ, वो शार्क ने उनको ही प्रदक्षिणा की और चला गया शार्क, और ये भक्त आए, वो सर्फ बोट को किसी को डोनेट कर दिया, और अपना फिर से धोती कुर्ता पहनकर भक्त रह गए, ठीक है ना। तो वंस अ डिवोटी ऑलवेज अ डिवोटी, वंस अ डिवोटी ऑलवेज अ डिवोटी, ठीक है। तो ये आशा दिखाने के लिए भागवतम में अनेक लीलाएं भगवान प्रस्तुत करते हैं। तो पूतना का जो कथा है, पूतना की कथा तो बहुत फेमस है, ठीक है, इतनी फेमस है कि हम एक दो अभी सॉन्ग देखेंगे यहाँ पर पूतना के बारे में। पूतना हैज जस्ट बिकम अनदर कार्टून, यू नो आई मीन, जैसे मिक्की माउस होते हैं वैसे पूतना हैज बिकम, भीम होते हैं वैसे, यू नो पूतना हैज व्हाट अ स्टेटस इन लाइफ यू आर गेटिंग ना, पूतना का लाइफ बन गया है, मतलब इतना फेमस है पूतना। तो कैसे है कि लोग यदि पैसा पाना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट जाएंगे, भौतिक ज्ञान चाहिए तो यूनिवर्सिटी जाएंगे, ठीक है ना, एंजॉयमेंट चाहिए, मजा चाहिए तो एडवेंचर पार्क जाएंगे, लेकिन मंदिर में जब लोग आते हैं तो विशेष रूप से आशा प्राप्त करने के लिए आते हैं। महाविष्णु गोस्वामी महाराज बहुत साल पूर्व यहाँ पर आए थे, और ऐसे बहुत सुंदर प्रवचन देते थे वो, और उन्होंने ऐसे सारे बॉयज के बच्चों को, आईवाइफ के बच्चों को एकत्र किया और कहने लगे कि देखो जब कोई मंदिर आता है ना बेटा, कोई व्यक्ति, तो बहुत पीट पीट कर मंदिर आया है, यहाँ पर तुम उसको फिलॉसफी से मत पीटो, उसको प्रेम दे दो, थोड़ा प्रसाद दे दो, उसको भगवत नाम के बारे में कहो, उसको कहो गिव देम होप, दैट्स व्हाट इज यू नो द आईवाइफ टॉक, गिव दिस पीपल होप, द पीपल हु आर कमिंग, बिकॉज पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड इन द मटेरियल वर्ल्ड। ये भौतिक जगत ऐसी ही है, भले कहीं पर भी जाए, भ्रमताम उपरि अधः, परंतु मंदिर जब कोई व्यक्ति आता है तो एक होप, एक आशा प्राप्ति के लिए मंदिर आता है, और इससे बड़ी आशा किसी को नहीं मिलेगी कि पूतना का उद्धार हो गया और भगवान की माता बन गई, ठीक है ना। भगवान को लोग भगवत धाम में चिढ़ाते भी है, क्या बिजनेस करते हो भगवान, पूतना आई उसको माता बना दिया, भक्तों को क्या दोगे, तो ऐसा मतलब उनको भी भगवान को जो चिढ़ाते हैं भक्त, वो बोलते क्या क्या बिजनेसमैन हो आप, फॉल्टी डिवोशन के लिए यू गेव द हाइएस्ट पोजिशन, वॉट यू आर गोइंग टू गिव टू द डिवोटीज हु आर डूइंग मच बेटर डिवोशनल सर्विस। तो ये आशा दिखाने के लिए, आशा प्रस्तुत करने के लिए जीवन में भगवान इस सारी लीलाओं को करते हैं। तो ये कथा भागवत के दशम स्कंद में आती है और छठा चैप्टर है ये, सिक्स्थ अध्याय, और भगवान तब 6 दिन के बालक थे। अभी आप जानते हो बालक, 6 दिन का बालक मतलब कैसे होता है, वैसे उसका वो ये भी नहीं पकड़ सकता, उसके एक हाथ आपको उसके नीचे डालना पड़ेगा, और यू नो ऐसा पूरा बहुत यू नो सावधानी से आप इस बालक को लेना पड़ेगा। तो भगवान मात्र 6 दिन के बालक थे, और नंद महाराज तब मथुरा गए थे कंस के जो टैक्स है उसको देने के लिए,
और वहाँ पर वो वसुदेव जी से मिलना चाहते थे, लेकिन वसुदेव ने कहा कि मैं आपको ओपन में नहीं मिलूँगा, रात को मिलूँगा, अलग रूप बदल के आए वसुदेव जी, क्योंकि कंस जो थे उनके बहुत सारे उन्होंने गुप्तचर लगाए रखे थे, विशेषतः वसुदेव के इर्द गिर्द। तो वसुदेव अपना रूप बदल कर आए और अकेले आए वहाँ पर, क्योंकि वो देवकी को साथ लेकर नहीं आए। आचार्य कहते हैं क्योंकि देवकी शायद ये जो सीक्रेट था, सीक्रेट को क्या कहते हैं, रहस्य, ये जो रहस्य था, ये रहस्य को देवकी शायद रख नहीं पाती। क्या रहस्य था? रहस्य था कि कृष्ण को वसुदेव मथुरा से लेकर वृंदावन में लेकर गए हैं, और आपको पुत्र नहीं पुत्री हुई थी, उसको लेकर यहां आए हैं, और पुत्री अब अंतर्धान होकर महामाया बन गई है। बहुत बड़ा रहस्य है, खतरनाक रहस्य है ये। वसुदेव एक श्रूड क्षत्रिय थे, वो रख पाए, लेकिन वसुदेव को गारंटी नहीं था कि शायद देवकी माता इतने बड़े रहस्य को रख पाई क्या नहीं। जैसे ही नंद और यशोदा को देखेंगे, देवकी माता रो जाएंगे, तो इसीलिए वो अकेले ही आए, और अकेले आकर बहुत अलग अलग रूप से कहने लगे कि आपकी प्रजा कैसी है नंद महाराज। ऐसे नहीं कहा आपका पुत्र कैसा है, क्योंकि पता था उनको, उनको पुत्र नहीं हुआ है, क्या हुआ है, पुत्री हुई है, और वो उनका पुत्र नहीं है, किसका है, वसुदेव जी का ही है। तो इसलिए पुत्र पुत्री नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा, प्रजा। आप हाउ आर योर किड्स, ऐसे नहीं कहा हाउ इज योर बॉय और गर्ल, नहीं, हाउ आर योर चिल्ड्रन, ऐसे इस प्रकार से कहने लगे। और ये जब वार्तालाप चल रहा था, तो कंस बहुत ही गुस्सा थे, क्योंकि कंस जब ये पुत्री को लेकर प्रहार करने वाले थे, तो उनके हाथ से वो निकल गई, महामाया दुर्गा का रूप उन्होंने ले लिया, और दुर्गा से वो बहुत डरते थे कंस। प्रभा जी कहते हैं, प्रभा राइट्स ब्रिलियंट परपोर्ट्स एवरीवेयर, एक्चुअली ना वी डोंट डू जस्टिस टू श्रील प्रभुपाद। कभी आप आइए रीडिंग में, सिंपल सिंपल परपोर्ट्स आपको लगेंगे, इतना जबरदस्त परपोर्ट लिखते हैं प्रभुपाद जी। लिखते हैं एक परपोर्ट में जो हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड कैंटो फिफ्थ सिक्स्थ चैप्टर सम 35th verse 34th verse, प्रभुपाद जी लिखते हैं वहां पर कि जनरली पीपल आर शाक्तास, शक्ति का उपासना करते हैं लोग, और द मॉडर्न साइंटिस्ट आर एडवांस्ड शाक्तास। वाओ, व्हाट अ पॉइंट। क्योंकि मॉडर्न साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, इसमें लाइट में कुछ कर रहे हैं, एलन मस्क इसको ऊपर लेके निकल जाता है, ये करता है, रीयूजेबल, एंड इट्स ऑल अबाउट शक्ति ओनली, दे हैव नॉट रीच्ड बियॉन्ड शक्ति। सो प्रभुपाद से दे बिगिन विद शाक्ता, आफ्टर शाक्ता दे बिकम सौर्य वर्शिपर ऑफ सन गॉड, आफ्टर सौर्य दे बिकम गणपत्य वर्शिपर्स ऑफ वेरियस गणाज एंड गणपति, आफ्टर गणपत्य दे बिकम शैव, एंड आफ्टर शैव इफ वन इज फॉर्चुनेट वन बिकम्स वैष्णव। तो ये सीक्वेंस से लोग आगे बढ़ते हैं, और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये कंस ने जब ये शक्ति को देखा, तो शक्तिमान से नहीं डरता था, लेकिन शक्ति से बहुत डरता था कंस, ठीक है ना। और उसने जब शक्ति, शक्ति ने भी उसको भ्रमित कर दिया कि आपको मारने वाला कहीं और जगह सुरक्षित है, तो उसने कहा पूतना को कि जाओ तुम 10 दिन में जितने बालक है, तो वहां पर पूतना के पास गए वो, और उन्होंने कहा कि 10 दिन में जितने बालक है सारे बालकों को मार दो। और पूतना ने कहा ये आदेश है, ये तो मेरे लिए रसगुल्ला है, मतलब यदि आपके काउंसिलर आपको बोलेंगे कि मेरा आदेश है आपको कि 2 रसगुल्ला, 2 गुलाब जाम और 3 केक खाकर आओ, तो क्या आदेश है प्रभु जी, अभी जाता हूं। तो पूतना इतना एक्साइट हो गई ये आदेश सुनकर, तुरंत वहां से वो प्रस्थान कर दी और जाने लगी, एक 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 घर वहां पर पूतना जाने लगी, ठीक है। तो यहां पर ये 10वां अध्याय का 6ठा स्कंद आरंभ होता है। श्री शुक उवाच, नंदपति वचर शौर्य नमृषयति विचन्वितन हरिम जगाद शरणम उत्पादागम शंकितः। नंद महाराज वो सोचने लगे कि जो वसुदेव ने कहा है कुछ तो उसमें सच्चाई होगी, वसुदेव तो बहुत बड़े क्षत्रिय है, बहुत बड़े भक्त है, तो इसीलिए तुरंत वहाँ से वो निकल पड़े और वृंदावन की ओर आने लगे। और ऐसा भागवत में वर्णन आता है क्लाइमैक्स कि जब नंद महाराज वृंदावन की ओर आ रहे थे, तो उनके ऊपर से एक बहुत बड़ा छाया निकल गया, और वो छाया कौन थी, पूतना। वो खेचरी थी, आकाश मार्ग से भ्रमण करने वाली थी। नंद महाराज चलते चलते आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बड़ा काला बादल, वो सोच रहे थे कौन सा बादल है ये, पता नहीं ऐसा कैसा भयानक बादल है।
और वो वृंदावन की तरफ जा रहा है, तो नंद महाराज सोचने लगे कि मुझे बहुत जल्दी वहां पर जाना है, और तब तक पूतना वहां पर पहुंच गई, ठीक है ना। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि भौतिक जगत ही ऐसा बना है, पदम पदम यत विपदाम न तेषां, भौतिक जगत में प्रत्येक पद पर क्या है, विपदा है। भले ही हम एक साधारण सिटीजन हो, नागरिक हो, या वी मे बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अभी अमेरिका जो कंटेस्टिंग प्रेसिडेंट है ट्रंप, इतनी सारी सुरक्षा होने के बाद अमेरिकन सिक्योरिटी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट, इतना हाईएस्ट है ये अमेरिकन वर्ड जो हमने यूज किया, दैट इज बीइंग नोटेड बाय द यू नो द सैटेलाइट्स, ठीक है। यहाँ पर एक बार वही आए थे बराक ओबामा भारत में, और एक लड़के ने ऐसे ही बात बात में कह दिया कि ये बराक ओबामा को मैं एक अच्छा लेसन सिखाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच हिम अ लेसन। विद इन 3 hours यू नो द CBI एंड FBI वॉज इन हिज डोर्स, कि आपने कहा लेसन सिखाना है, वी हर्ड इट थ्रू अवर सैटेलाइट्स, ठीक है ना। तो इतना शक्तिशाली सुरक्षा भी उनको रक्षा नहीं कर पाया, भगवान ने ही रक्षा की, वो बच गए, इधर जाने वाला गोली इधर चला गया, ठीक है ना। तो भौतिक जगत ऐसे ही है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे जॉन एफ केनेडी और महात्मा गांधी का। तो पदम पदम यत विपदम न तेषाम, तो विपदा तो है ही, और बहुत बड़ी विपदा यह है कि जिनके प्रति हम हमारा पूरा जीवन समर्पित करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए वो सदा अप्रसन्न रहेंगे, यह है भौतिक जगत। और जिनको प्रसन्न करने के लिए एक छटा यू नो 1 gram एनर्जी देते हैं, वो 1 gram एनर्जी से भी प्रसन्न रहेंगे भगवान, ठीक है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं और कहते हैं कि इसीलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कमसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुम चरान निघ्नती पुरग्राम व्रजादिशु। तब ये पूतना का वर्णन है, घोरा बहुत फियरस राक्षसी थी वो, और बहुत ही ऐसे कटु हृदय वाली थी, हार्ड हार्टेड, कठिन हृदय वाली थी। बच्चों को कोई मारता नहीं है, ठीक है ना, बच्चों को कोई बॉम्बिंग में मर गए बच्चे इस प्रकार से, भले ही शत्रु का राष्ट्र हो, जैसे पाकिस्तान में एक बार पेशावर में टेररिस्ट गए और बच्चों के स्कूल पर उन्होंने हमला बोल दिया, और लगभग वहाँ पर वो बच्चे रहते थे जो मिलिट्री ऑफिसर्स के बच्चे थे, तो ये मिलिट्री ऑफिसर्स को दे वॉन्टेड टू गिव द मैक्सिमम पेन टू दिस पीपल, देयर फॉर दे किल्ड देयर चिल्ड्रन एंड दे वेर कंडेम्ड बाय एवरीबडी इंक्लूडिंग द टेररिस्ट। टेररिस्ट भी कहने लगे कैसे भयानक टेररिस्ट हो, बच्चों को मारते हो। लेकिन पूतना बालघातिनी, उसका टाइटल ही था बालघातिनी, यहाँ बच्चों को मारकर मिलेगा, ठीक है। और ये पूतना का पूरा बायोडाटा है लिंक्डइन पे, डोंट कनेक्ट विथ हर, ओके। अगले सॉन्ग में वही कहते हैं कि मेरे पास मत आओ, ठीक है। तो ये दिस बायोडाटा, घोरा वेरी हार्ड हार्टेड, जिघांसया, अघ शब्द आता है इसमें, जिघांसया अपायतापि असाध्वी, असाध्वी थी, बालघातिनी बालाग्नि बच्चों को मारने वाली थी, खेचरी आकाश से उड़ने वाली थी, मायया और अपने रूप को बदलने वाली थी, मनचाहा रूप। आगे देखेंगे हम कैसा रूप लिया पूतना ने, आपका पूरा ब्यूटी इंडस्ट्री फेल हो जाएगा पूतना के मंत्रों के आगे, ठीक है ना। देखते हैं क्या रूप लिया पूतना ने, ठीक है। बाद में कामचारिणी, जहां पर भी जाओ वहां पर विचरण कर सकती थी, ठीक है। और असाध्वी और रुधिरासना, डेकोरेटेड विद द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन, रुधिर मतलब ब्लड, तो बच्चों के खून से जो अपना लिपस्टिक लगाती थी, कौन थी, पूतना। इसका है ये प्रोफाइल पूतना। अब ये पूतना यहां पर आई, ये अभी थोड़ा बच्चों के लिए सॉन्ग है, पता नहीं प्ले करूं ना करूं, आई वॉज नॉट डूइंग, राधेश्याम प्रभु इज अटेंडिंग, सो प्रभु जी एक थोड़ा 1-2 मिनट के लिए विद योर परमिशन। तो बोल रही है कि दूर रहो, ठीक है, मुझसे सारे तुम दूर रहो।
सारे बच्चे आ गए भाई देवे ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं। तो ये उनका ब्रेड जैसे लाए उन्होंने एक को खाने के लिए। तो इस प्रकार से पूतना क्या करती थी, उसका यह नाम था रुधिरागना। तो रुधिरागना मतलब रुधिरासना। ठीक है, न यत्र श्रवणादि रक्षोग्नि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भर्तुर यातु धान्यस्तत्र ही। तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक आता है ये कि यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ही परीक्षित महाराज ने, देयर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट, सब्जी कटिंग की सेवा चल रही है प्रसादम सर्विंग हॉल के पास, तो किचन के वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे, तो कोई यहाँ पर अवेलेबल है तो सब्जी कटिंग की सेवा को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के बाद भी जा सकते हैं, ठीक है, क्लास के बाद जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सुनकर, पूतना का वर्णन सुनकर परीक्षित महाराज, उनको लगा अरे कृष्ण के पास ये पूतना जाने वाली है। तो शुकदेव गोस्वामी कहने लगे कि डरो मत परीक्षित महाराज, कि कृष्ण को कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो ग्रेट डिवोट इज दे आर एक्सट्रीमली अफेक्शनेट। और जैसे ही उन्होंने ये सुना तो हमारा जो श्रवण होता है भगवत भक्ति में, श्रवण पूरे उत्साह से अभिनिवेश होकर होना चाहिए। जैसे महाराज कुलशेखर की कथा आती है, जैसे वो श्रवण करते थे कि पूरे वो कथा में ही चले जाते थे। ऐसे नहीं है, देखिए कथा तो हमने एक बार सुनने के बाद नया क्या है कथा में, लेकिन हम यदि बच्चों जैसी एक निरागस्ता जीवन में लाएंगे तो प्रत्येक कथा, प्रत्येक जो लेक्चर है, हमें कुछ ना कुछ सीख देकर जाएगा। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी, उन्होंने देखा कि परीक्षित महाराज ये बहुत परीक्षित महाराज ये क्या होने वाला कि बहुत
It's tolerate. I mean, they will just do it for 2-3 minutes. Yeah, continue. Okay. तो परीक्षित महाराज बहुत व्याकुल हो गए कृष्ण के लिए. तो सुखदेव गोस्वामी कहने लगे कि नहीं नहीं, परीक्षित को, सुखदेव गोस्वामी सेंस्ड इट, द डिस्कम्फर्ट ऑफ परीक्षित, और कहने लगे प्रभुपाद राइट्स इन परपोर्ट, टेक टू चैंटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम द डेंजर. चैंटिंग शुड बी प्रमोटेड एवरीवेयर, फैमिली, सोसाइटी, नेबरहुड एंड नेशन. डोंट मिस आउट इन गिविंग द होली नेम. तो कभी कभी हम कोई कार्य के लिए जाते हैं, कहीं शादी के लिए गए हैं, या कभी जाते हैं ना हम अलग अलग कार्य के लिए, किसी का वास्तु शांति है, किसी का घर ओपनिंग है, हाउस वार्मिंग सेरेमनी है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि मैं ही हूं जो ये व्यक्तियों को कृष्ण दे सकता हूं. यदि हम भी ऐसे कुछ अलग अलग वस्तु देने लगे तो हम में और बाकी लोगों में अंतर क्या रहेगा. यदि हम कतराते हैं कृष्ण देने को तो लोगों को कृष्ण कौन देंगे. आजकल ऐसे ही गिफ्ट में लोग 2-3 हजार, 4-5 हजार के गिफ्ट तो ऐसे ही देते हैं. आजकल पैसे का वैल्यू बहुत कम हुआ है. लेकिन हमें यदि हमारा बजट 5 हजार का है तो श्रीमद् भागवतम देना चाहिए. वी मे लुक फुलिश बट दिस इज द हाइएस्ट बेनिडिक्शन दैट वी आर डूइंग फॉर द लाइफ टाइम ऑफ दैट पर्सन. ठीक है ना. तो ये प्रभुपाद जी दिखते हैं तात्पर्य में कि ये विश्वास होना चाहिए कि यदि मैं लोगों को कृष्ण नहीं दूंगा तो लोगों को कृष्ण कौन देगा. तो ये भक्त की एक जिम्मेदारी है कि कोई भी कार्य को हम जाए कृष्ण का कुछ तो कृष्ण फ्रेम यू कैन गिव. क्या क्या दे सकते हैं कृष्ण के रूप में. गिफ्ट देना है आपको हाउस वार्मिंग को तो क्या दे सकते हैं बताइए माता जी, बताइए आप क्या दे सकते हैं. बीडबैग दे सकते हैं. बहुत डायरेक्ट गिफ्ट हो गए वो बीडबैग और माला, लेकिन हाँ दे सकते हैं. ठीक है, जाएगी घर में. ऐसे भी इतने गिफ्ट आते हैं, कौन कितना गिफ्ट खोलता है, लेकिन एक बीडबैग तो गई घर में. और क्या दे सकते हैं. कृष्णा बुक दे सकते हैं, भागवतम दे सकते हैं, बच्चों के लिए छोटे कृष्णा के खिलौने दे सकते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के जो डॉल्स है वो दे सकते हैं. वी हैव टू लुक फॉर अ अपॉर्चुनिटी टू एड कृष्णा इन पीपल्स लाइफ. ठीक है ना. यदि हम कृष्ण को नहीं देंगे तो कौन देगा कृष्ण को. कभी कभी वी वॉन्ट टू बी सोशली राइट, और कुछ तो परफ्यूम देते हैं या फिर ऐसा क्या कहते हैं उसको फ्लावर सेट, व्हाट यू कॉल इट, बुके, बुके लेकर जाते हैं और वो देते हैं. दैट ऑल्सो कॉस्ट 350 रुपीज. गुड क्वालिटी बुके विल कॉस्ट यू 350-400 रुपीज. उसके बजाय कृष्णा बुक दे दो, भागवतम दे दो, चैतन्य चरितमृत दे दो. बिल्कुल बेशर्मी से हमें कृष्ण को देना चाहिए. ठीक है ना. शर्म नहीं आनी चाहिए उसमें कि कैसे होगा मुझे वो. वी हैव टू गिव. ठीक है. तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ये भागवत में कि हमें देना चाहिए. अब आगे आगे आता है कि सा खेचरी, वो एक खेचरी थी और वो पूतना नंद गोकुल में चली गई. योषित्वा माये आत्मानम प्राविशत कामचारिणी. और जहां चाहे वहां जाने वाली पूतना वहां पर चली गई और अपने रूप को उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया और ऐसा रूप दिया, रूप लिया कि अगले 2 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक का रूप का वर्णन करते हैं. ताम केश बंधम व्यतिचस चक्त मल्लिकाम. प्रभु जी क्या सुवास संकल्पित कर्ण भूषण विशोल सत्कुंतल मंडितानाम बलगुस्मिता पांग विसर्ग विक्षितै मनोहरन्ति वनिता व्रजौ कसाम अमं सतां भोजकरेण रूपिणी गोप्य श्रियं द्रष्टुमिमागतां पतिं. तो इस प्रकार से पूतना ने अपने रूप को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर लिया. और यहाँ पर यह श्लोक में पूतना के रूप का वर्णन है जैसे वो कोई लक्ष्मी के रूप का वर्णन है. तो कोई कहेगा कि सुखदेव गोस्वामी तो वैराग्य चूड़ामणि है. ठीक है, मराठी में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है सुखदेव गोस्वामी के बारे में, शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे. ठीक है, किसी का वैराग्य कंपेयर करना हो तो बेंचमार्क ही सुखदेव गोस्वामी.
ठीक है ना। तो शुकासार शुकदेव गोस्वामी ऐसे वैराग्य से पूर्ण व्यक्ति क्या कर रहे हैं, एक स्त्री का जो एक पापग्नी है, वो एक असाध्वी है, उसके रूप का वर्णन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के पास जाने वाली है और कृष्ण की माता बनने वाली है। आचार्य समझाते हैं कि शी विल बी अवॉर्डेड द पोजिशन ऑफ मदर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड देयरफॉर। और ये जो लीला है, ये शुकदेव गोस्वामी को बहुत अच्छी लगती है लीला। क्यों? क्योंकि शुकदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे। तो ब्रह्मवादी और मायावादी में अंतर है। तो ब्रह्मवादी कौन है? जो भगवान को मात्र ब्रह्म के रूप में जानते हैं लेकिन भगवान का अपराध नहीं करते उनको माया कहकर। और जैसे ही वो अपने माता के गर्भ में 16 साल रहे और जैसे ही बाहर आए वन की ओर प्रस्थान किए, कहने लगे कि मुझे ये माया में लिप्त नहीं होना है। तब उनके पिता उनके शिष्यों को उन्होंने कहा, वेदव्यास जी ने, कि ये दो श्लोक शुकदेव गोस्वामी वन में जा रहे हैं, ये दो श्लोकों का आप वर्णन करो। और ये उसमें से एक श्लोक सा ये अहो बकीयम स्तनकालकूटम, और दूसरा श्लोक हम आगे पढ़ने वाले हैं, यस्यान नमकर कुंडल चारु करना। तो भगवान के कृपा के बारे में और भगवान के रूप के बारे में सुनकर शुकदेव गोस्वामी भक्त बने ब्रह्मवादी से। तो और उसमें से दो में से एक श्लोक कौन सा था? पूतना का श्लोक था। इसलिए ये जो लीला है शुकदेव गोस्वामी को अति प्रिय लीला है, क्योंकि इसके कारण ही वो कृष्ण के सन्मुख बन गए और एक प्रकार से भक्त बन गए। ऐसे आगे फिर जैसे ही पूतना ने ऐसे रूप को परिवर्तित कर दिया और जैसे ही वृंदावन में आने लगी पूतना, तो किसी ने पूतना का कोई विरोध नहीं किया, बिकॉज शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। इतना सुंदर रूप था पूतना का, उसके जो इयर रिंग्स थे, उसके कर्ण भूषण जो थे ऐसे ही डोल रहे थे, और सुंदर रूप से वयया वचसा और वाससा, उनका वय अति सुंदर था, उनकी भाषा अति सुंदर थी, और उनका वास, वास मतलब उनके जो कपड़े थे वो भी अति सुंदर थे। एज वॉज ब्यूटिफुल, टॉक्स वेर वेरी स्वीट एंड चार्मिंग एंड ड्रेस्ड विथ एक्सक्विजिट ब्यूटी। और जैसे ही पूतना वहां पर आई और अपने हाथ में एक कमल का फूल लेकर आ रही थी पूतना, और सारे ब्रजवासी पूतना को देखकर सोचने लगे कि कौन है ये। और जैसे ही पूतना सोचने लगी ये कृष्ण कहाँ रहते हैं, यशोदा कहाँ रहती है, तो सारे लोग मोहित हो गए, स्पर्धा करने लगे, मैं बोलूंगा इसको कृष्ण कहाँ रहते हैं, मैं कहूंगा कहाँ पर यशोदा माई नंद महाराज रहते हैं। और जैसे ही पूतना नंद भवन में आई, नंद महाराज नहीं थे वहां पर, यशोदा माई थे, रोहिणी थे, और जैसे ही पूतना वहां पर आई रोहिणी और यशोदा अवाक रह गए उसके रूप को देखकर और सोचने लगे ये तो लक्ष्मी ही है जो यहां पर आई है कृष्ण का दर्शन लेने के लिए। बाद में सोचने लगे अरे लक्ष्मी कैसे आएगी, सोचने लगे कि यदि लक्ष्मी नहीं तो अवश्य पार्वती है, देवी पार्वती यहां पर प्रकट हो गई है, देवी पार्वती नहीं है तो कोई देवकन्या है, नहीं तो कम से कम स्वर्ग की कोई अप्सरा है जो यहां पर कृष्ण का दर्शन करने के लिए आई है। पूतना वहां पर अंदर आई और कहने लगी कि कृष्ण को मैं दूध पिलाना चाहती हूं। अब सारे ब्रजवासी इतना मोहित हो गए, उत्साही हो गए कि ये सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं आई, कृष्ण को दूध पिलाने आई है। और यहां पर आचार्य लिखते हैं, देखिए वृंदावन जो है ब्रजवासी उनका भाव यहां पर देखिए आप, द मूड ऑफ वृंदावन वेयर पूतना इज ट्रीटेड एज लक्ष्मी। ठीक है ना, ये थोड़ा सुनने को अचरज लगेगा इसलिए ये चित्र डाला है, ये बांग्लादेश इस्कॉन है अपना ही जो पूरा फ्लेम्स में था एक हफ्ता पहले। तो कभी कभी इस जगत के जीव इतना घृणित व्यवहार करेंगे परंतु घृणा का उत्तर घृणा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो दो प्रकार से है रिएक्शन, इज टू टाइप्स। एक तो पहला रिएक्शन जो हमारे कुछ राजाओं ने दिया उसको कहते हैं सद्गुण विकृति। सद्गुण विकृति मतलब इतने सद्गुण में थे राजा हमारे कि एक बार आक्रमण किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी 15-17, बिकॉज दे वेर सो मैग्नानिमस दे जस्ट लेट गो द इन्वेडर्स एंड नेवर कैप्चर्ड देम, बट वंस द इन्वेडर वन दे डिस्ट्रॉयड द कल्चर। वो हो गया एक एक्सट्रीम।
दूसरा एक्सट्रीम है टिट फॉर टैट, ठीक है ना, टिट फॉर टैट मतलब जिस प्रकार से जिस भावना से कार्य हुआ है उसी भावना से हम उत्तर देंगे, लेकिन बैलेंस इज समवेयर इन द बिटवीन। तो कभी कभी बहुत गुस्सा होते हैं, घृणित कार्य करते हैं लोग, होना ही चाहिए, ठीक है ना, हम ऐसे ही बैठे नहीं है, परंतु उस गुस्से का जो यूटिलाइजेशन है वो अलग प्रकार से करना चाहिए, नहीं तो ऐसे कार्य करने वालों में और जिनके ऊपर ये कार्य हुआ है यदि वो भी ऐसा कार्य करेंगे तो उनमें क्या अंतर रहेगा। जैसे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, वहाँ पर बहुत, मतलब हम 400 साल पहले की बात कर रहे हैं, ज़्यादा बहुत दूर वाली बात नहीं है ये, 400 साल पहले, 375 साल पहले, यहीं पर इस प्रकार से आक्रमण होता था और बहू बेटियों को उठाकर लेकर जाते थे इन्वेडर्स, ठीक है, यवन लोग। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक जबरदस्त मूवमेंट खड़ा कर दिया, स्वराज्य का मूवमेंट, और पहली बार जब उन्होंने एक किले को जीत लिया, चाकण का किला था, चाकण आप जानते हैं, चाकण का किला, और वहां के जो किलेदार थे उसकी बहू को ये सारे जो मावड़ा लोग थे उन्होंने पकड़ लिया और छत्रपति महाराज के पास लेकर आए और कहने लगे महाराज को, जैसे हमारे बहु बेटियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, अभी आप बोलो क्या करना चाहिए इसके साथ। बड़ा प्रसंग था ये, ठीक है, ऐसे हजारों बहु बेटियों पर अत्याचार हुए थे, लेकिन महाराज ने कहा वहां पर, देखिए दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट, दिस इज द धर्म एंड अधर्म इज डिफरेंसेस। महाराज ने वहां पर कहा कि यदि हमारी माता भी इनके जैसी सुंदर होती तो हम भी शायद और सुंदर बन जाते, और उनको पूरा सम्मान से विदा कर दिया। एंड बाय डूइंग दिस महाराज वन हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इवन यवनस, ठीक है ना। तो एक दो दिन पहले ही राधेश्याम प्रभु एक लेक्चर दे रहे थे काउंसिलर्स को, वहां पर वो बता रहे थे कि कैसे हिंसा का उत्तर हिंसा ही नहीं हो सकता। तो जो उत्तर देने वाले हैं वो देंगे अपने हिसाब से, लेकिन यदि हम कोई समाज के लिए, कोई वर्ग के लिए एक घृणा मन में रखेंगे, मत्सर मन में रखेंगे, तो भागवतम के पास नहीं जा सकेंगे, क्योंकि भागवत कैसा है, निर्मत्सराणाम सता। बहुत ट्रिकी सिचुएशन है ये, मतलब इतना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो, वी शुड नॉट फॉल इन द एनवी ट्रैप, ठीक है, ऐसे घृणा में, हमें घृणा के ये दलदल में हमें फंसना नहीं चाहिए और भगवान का शरण लेना चाहिए। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नेचुरली लाइट जा रहा है, ये सिग्नल नहीं है बंद करने का, ठीक है, मतलब जस्ट टू क्लैरिफाई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। कभी कभी भक्त भी ऐसे घृणा से भरपूर हो जाते हैं, सभी हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं, मतलब यू नो ऐसा कार्य देखेंगे तो किसको ये लगेगा, बाकी तो पिक्चर्स डालने योग्य ही नहीं थे इसलिए डाले नहीं है, आप सबने देखे हैं व्हाट्सएप पे। परंतु इस घृणा के फीलिंग को हमें एक विधायक रूप देना चाहिए और वो रूप है प्रचार करना, ठीक है ना, हमें इसलिए हमें जोरदार प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं द मोर यू डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स मोर द इफेक्ट ऑफ कलियुगा विल बी मिनिमाइज्ड, मोर वी स्प्रेड श्रीमद भागवतम मोर अनर्थस विल गो डाउन। इसके आगे वर्णन आता है कि अब ये पूतना यहां पर आई और यदृच्छया भगवान के इच्छा से ही पूतना यहां पर आई थी, और वृंदावन में आकर भगवान की इच्छा से डायरेक्टली नंद भवन आई, ठीक है ना, ऐसे तो कोई भी भवन जा सकती थी, लेकिन भगवान ने ही उसको पाथ ऐसा कर दिया कि वो डायरेक्टली कहां पर आई, नंद भवन में आए, क्योंकि भगवान बाकी उनके गोप मित्रों को बचाना चाहते थे, सोच रहे थे कि सारे गोप चले गए तो लीला किसके साथ करेंगे आगे चलकर। तो पूतना वृंदावन में सीधा नंद भवन में आए, और जैसे ही भगवान के कक्ष में आने लगी तो पूतना को पता चला कि यह बालक बहुत ही शक्तिशाली है और अपनी शक्ति को छुपाने का प्रयत्न कर रहा है, ये उसको पता चला बराबर से, ये काल या महाकाल है और यमराज जी के भी ये स्वामी है। और गोपाल चंपू में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि कैसे एक सांप और एक चूहा और एक मुंगूस का उदाहरण है, उसी प्रकार से पूतना समझ पाए कि ये जो व्यक्ति है, तो मतलब क्या है ये उदाहरण कि एक चूहे को सांप पकड़ने जा रहा है लेकिन मुंगूस दूर से देख रहा है,
ठीक है ना। तो उसी प्रकार से पूतना सोच रही थी कि चूहा समझकर वो कृष्ण के पास जा रहा था सांप, लेकिन वो कौन था? मुंगूस था। ऐसा उदाहरण हो, चूहा समझकर जा रहा था सांप, लेकिन वो कौन था? मुंगूस था, जिसको मृत्यु, सांप की ही मृत्यु होगी मुंगूस के कारण। तो उसी प्रकार से उसको मारने के लिए जा रही थी, परंतु क्या होने वाला था, वो खुद ही उस वहां पर गतप्राण होने वाली थी। और वहां पर यशोदा रोहिणी दोनों वहां पर समक्ष थे, लेकिन देवर स्पेल बाउंड, मोहित हो गए थे, और वहां पर भी वहां ही वो बैठे थे। भक्ति विनोद ठाकुर अपने कमेंट्री में लिखते हैं कि पूतना एक फेक गुरु को समझाती है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। कभी कभी आजकल लोगों का उत्साह है स्पिरिचुअलिटी में, तो ऐसे फेक गुरु आते हैं जो गुरु के कपड़े लेंगे और कहेंगे कि बस मेरा पिक्चर टांग दो, मुझे अपना डोनेशन दे दो, जीपे किया तो भी चलेगा, ऑनलाइन ही करो, मेरा आशीर्वाद है। तो ऐसे फेक गुरु को पूतना के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दूध देने आएगा परंतु विष पान कराएगा, और ये विष कौन सा है? ये विष मायावाद का है। ऐसे गुरु या फिर सद्गुरु अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना, परंतु ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए, क्योंकि दूध के नाम पर क्या देंगे, ये मायावाद का विषपान कराएंगे, ठीक है। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये फेक गुरु के समान है। तो आगे अब विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा स निमितिलेक्षण अनंत आरोप्यम तंकम यथोरगम सूक्तम अबुद्धि रज्जिधि। तो ये बहुत बहुत पूर्ण श्लोक है ये। तो ये श्लोक कहता है कि जैसे ही पूतना वहां पर आ रही थी भगवान के पास, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो ये, और भगवान ने अपनी आंखें बंद क्यों करी, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े उसके ऊपर ग्रंथ लिखे गए हैं। भगवान ने आंखें बंद क्यों करी? अभी हम आंखें बंद करते हैं तो यू नो चलता ही रहता है अपना आंखें बंद करना। तो एक राधानाथ महाराज वॉज गिविंग वंस लेक्चर, एंड इन दैट लेक्चर ही सेड, सो व्हेन कृष्णा क्लोज्ड हिज आईज द बुक्स आर रिटन, एंड हियर आई वांट टू आस्क सम ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू आर ओपनिंग योर आईज। वो क्लास में बोल रहे थे कि हाउ मेनी ऑफ यू योर आईज आर ओपन। तो यहां पर आचार्य लिखते हैं कि व्हाई लॉर्ड क्लोज्ड हिज आईज, भगवान ने अपनी आंखें बंद क्यों करी। तो पहला कारण आचार्य देते हैं कि पूतना एक अविद्या है और कृष्ण के आंखों को एक सामने रह नहीं सकती। कृष्ण सूर्य सम माया है, यहां कृष्ण तहान नहीं मायेर अधिकार। सो कृष्ण सूर्य के समान है, यदि कृष्ण अपना दृष्टिपात करते पूतना के ऊपर तो वो अपने रूप को नहीं रख पाती, वो अंधकार चला जाता, इसलिए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। दूसरा कारण कहते हैं बालाग्नि रुधिरासना, क्योंकि एक बहुत पतित बच्चों का रक्त पीने वाली असुर थी, इसलिए कृष्ण उसका दर्शन नहीं लेना चाहते थे, कृष्ण उसको देखने ही नहीं चाहते थे। तीसरा कहते हैं कि कृष्ण सोच रहे थे कि ये गोपी वेश में वृंदावन में सीधा नंद भवन में मेरे सामने आ गई है, इसकी सुकृति क्या है, ठीक है ना। देखिए हम मंदिर में आए हैं ऐसे ही नहीं आए हैं, बहुत सारी सुकृति के बाद, बहुत सारा भक्तों के आशीर्वाद से, प्रचार से हम यहां पर आए हैं, ठीक है। तो भगवान सोचने लगे कि वृंदावन में भला आकर गोपी भाव में, भले भाव उसका असुरी था लेकिन रूप गोपी का था, कार्य गोपी का करने वाली थी दूध पिलाने का, और सीधा नंद भवन में मेरे पास आ रही है, इसकी ऐसी कौन सी सुकृति है, ये देखने के लिए उसका पुनः पहले वाला जन्म देखने के लिए उन्होंने, भगवान ने क्या कर ली, आंखें बंद कर ली। और गर्ग संहिता में कहा है कि पूतना कौन थी, उसके पहले जन्म में पूतना रत्नमाला नाम की एक राजपुत्री थी जो बलि महाराज की छोटी बहन थी, और जैसे ही उन्होंने वामन देव को देखा वो सोचने लगी कि वामन इतने सुंदर थे, ये मेरा पुत्र ही हो। और जैसे ही वामन ने अपना प्रचंड रूप प्रस्तुत किया और सोचने लगी कि ऐसा पुत्र होता तो मैं उसको मार देती, और ये दोनों कार्य वो एक साथ करने वाली थी, कृष्ण को पुत्र के रूप में स्नेह भी दिखाने वाली थी और मारने का प्रयास भी करने वाली थी। तो कृष्ण ये देख रहे थे कौन ये पूतना, वॉन्टेड टू सी द पास्ट लाइफ ऑफ पूतना। चौथा कारण आचार्य कहते हैं कि कृष्ण किसी पापिनी के दूध का पान नहीं करना चाहते थे, ठीक है ना। तो और यहां पर वो दूध भी नहीं था,
उस पूतना ने अपने स्तन पर क्या लगाया था, कालकूट नाम का विष लगाया था, और बहुत बहुत वो कड़वा था। जैसे करेला, कोई आपको बोलेगा आओ मेरे घर और बोले ये लो करेला जूस पी लो, तो हंसते हंसते पियेंगे क्या, कैसे पियेंगे हम करेला जूस। तो कृष्ण को पता था कि ये जो जूस है मैं जो पीने वाला हूँ वो रक्त मांस ये और सारा विष पीने वाला हूँ। तो कृष्ण ने सोचा कि मैं अभी, जैसे हम आंखें बंद करते हैं कुछ कड़वा पीने के समय, तो कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो पीने के लिए तैयार हो गए। तो ये चार कारण हो गए कृष्ण ने आंखें क्यों बंद कर ली। ठीक है, पांचवा कारण लिखते हैं कि पूतना, द इनफाइनाइट लिविंग एंटिटीज आर इन द बेली ऑफ द लॉर्ड, व्हेन दे सॉ पूतना कमिंग विथ पॉइजन दे गॉट फ्राइटेंड। तो भगवान के उदर में अनेक ब्रह्मांड है, अनेक जीव है, लेकिन जैसे ही पूतना ने, जैसे ही इन जीवों ने देखा कि पूतना आ रही है, तो ये जीव भगवान के उदर के अंदर वो भ्रमित हो गए और सोचने लगे अरे भगवान ही विषपान करेंगे, तो उनके विजन को कम करने के लिए भगवान ने क्या कर दिया, अपनी ही आंखें बंद कर ली। तो अंदर वो जीव आश्वस्त हो गए कि कुछ नहीं होने वाला है। आगे लिखते हैं कि भगवान तो वृंदावन में, सातवां छठा कारण, माखन और मिश्री खाते थे और उनका अभी अन्नप्राशन नहीं हुआ था, और अन्नप्राशन यहां पर किससे होने वाला था, हलाहल से होने वाला था। और भगवान सोचने लगे क्या 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 लीला है, हलाहल से अपना अन्नप्राशन होगा, ये सोचकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो शिवजी का स्मरण करने लगे कि वो कहने लगे अरे शिवजी ये तो आपका प्लेट है, शायद मेरे प्लेट से एक्सचेंज हुआ है, हलाहल ये कौन सा प्लेट लेकर आ गए, और ऐसा वो शिवजी से वार्तालाप करने लगे अंदर से। सातवां कारण आचार्य लिखते हैं कि अवतार तो लिया था असुरों का वध करने के लिए, लेकिन पहले ही असुर कौन आई थी, पूतना, वो एक स्त्री थी। तो इसके कारण जैसे राम अवतार में देखते हैं कि भगवान रामचंद्र को भी पहले त्राटिका का वध करना पड़ा, और वो सोचने लगे कि राम अवतार में भी वही करना पड़ा, कृष्ण अवतार में भी यही, और सोचकर भगवान ने क्या कर दिया, आंखें बंद कर दी। आगे कहते हैं कि जो आंखें हैं वो शरीर का एक श्रृंगार है, ठीक है ना, एंड बट हर आईज वेर डेकोरेटिंग पूतनाज बॉडी एंड फेल्ट वेरी बैड ऑफ सच रिलेटिव्स एंड क्लोज। सो व्हाट इट इज बीइंग शोन इज आईज आर देयर टू डेकोरेट द बॉडी। सो भगवान सोचने लगे जो आंखें हैं वो शरीर का श्रृंगार है, लेकिन यदि मैं इन आंखों से पूतना को देखूंगा तो और वो ज्यादा श्रृंगारित हो जाएगी। पहले ही उसने इतना श्रृंगार किया है कि यशोदा माई, रोहिणी माई वो भी भ्रमित होकर ऐसे खड़े हैं उधर, है तो वो पूतना राक्षसी, लेकिन मेरे ग्लांस, मेरे दृष्टिपात से यदि पूतना और सुंदर हो जाएंगी तो ये दोनों मूर्छित हो जाएंगे। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि जब हम भगवान का दर्शन लेते हैं तो भगवान भी हमारे ऊपर दृष्टिपात करते हैं, और जब हम पे भगवान का दृष्टिपात होता है तो क्या होता है, जीवन में जो कुछ अमंगल है वो धीरे धीरे निकल कर जाता है। तो इसलिए भगवान का एक नाम है अमोघ दृक्। अमोघ दृक मतलब जिनका जो दृष्टिपात है कभी व्यर्थ नहीं जाता, भगवान का दृष्टिपात व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए हमें ऊपर जाकर भगवान का दर्शन लेना चाहिए और भगवान का दृष्टिपात हमारे ऊपर आना चाहिए कि भगवान मैं तो आपका दर्शन ले रहा हूँ, थोड़ा आप भी हमारा दृष्टिपात कर लो। दर्शन लेना ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन थोड़ा दृष्टि डाल दो ये पतित जीव पर, तो हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, एक मंगलमय बन जाएगा। इसलिए दर्शन लेना चाहिए, देवाचीय द्वारी, थोड़ा खड़ा रहना चाहिए उधर, ऐसे नहीं कि दर्शन लिया दो चार सेल्फी मारा और चले गए, नहीं, थोड़ा खड़ा रहना चाहिए, वहाँ पर जो कथा चल रही है उसमें सम्मिलित होना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये अगला कारण कहते हैं। अगला नौवां कारण कहते हैं कि भगवान की जो दो आंखें हैं वो चंद्र और सूर्य के समान है, और इसीलिए दो गति कहा है, चंद्र गति और सूर्य गति। और भगवान कहने लगे कि यदि मैं, मेरे इस ग्रे राधेश्याम प्रभु की जय, हरि हरि, दो घंटा क्लास देने के बाद प्रभु जी दो घंटा बैठे हैं, उनके ही प्रवचन से मैं बात कर रहा हूं, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो अभी बिल्कुल फ्रीली बात करेंगे, ठीक है, और मुझे राधेश्याम प्रभु ने बोला था इफ पॉसिबल ट्राई टू एंगेज टिल 4 o'clock।
ठीक है, बट वी विल नॉट गो दैट लॉन्ग, बट वी डोंट नो हाउ लॉन्ग विल गो. ठीक है, तो थोड़ा आधा घंटा वगैरह और चलेंगे हम. आई हैव 74 स्लाइड, दिस इज 38th स्लाइड. ओके, जस्ट टू गिव यू आइडिया वेयर वी आर. ठीक है, रदिशम प्रभु हैज प्रीच्ड मी, यू नो, फर्स्ट वी हैड ऑल मुछा एंड एवरीथिंग. तो प्रभु जी आते थे हमारे प्रचार करने के लिए. फर्स्ट डिवाइस आई हैव अटेंडेड विद रदिशम प्रभु. तो जो हम प्रचार करते हैं 1996-97 में, राधेश्याम प्रभु हमें प्रचार करते थे ये सब. फर्स्ट बैच कृष्ण किशोर प्रभु, वो सीनियर थे कृष्ण किशोर प्रभु, लेकिन तुलसी प्रभु, शंकर पंडित प्रभु, ब्रजानंद प्रभु, लक्ष्मी नारायण प्रभु, ये सब, सुंदर श्याम प्रभु, वो तो बहुत सीनियर है अभी, लेकिन ये सब डिवोटीज़ हम लोगों को ऐसा प्रचार किया राधेश्याम प्रभु ने. अनंत उपकार है उनके. तो थोड़ा टेंशन आता है ना उनके सामने क्लास देना है, तो मुझे पता नहीं था प्रभु जी बैठेंगे, तो इसलिए वो मैंने पूतना वितना डाल दिया उधर. बाद में सुनना पड़ेगा. चलिए थोड़ा. तो भगवान सोचने लगे कि एक चंद्र नाड़ी है और एक सूर्य नाड़ी है, और यदि मैं एक आंख भी पूतना के ऊपर डालूं तो उसको वो चंद्र गति या सूर्य गति प्राप्त होगी. तो मुझे उसको ऐसा वैसा गति नहीं देना है, मुझे उसे देना है गति तेने गतिम धात्री मुचितम ततुन्यम. बहुत बड़ा गति देने वाला हूं, इसलिए भगवान ने क्या किया, अपनी आंखों को बंद कर दिया. दसवां कारण भगवान, आचार्य कहते हैं कि भगवान की जो आंखें हैं वो एक राजहंस के समान है. ठीक है ना, अरविंद या फिर राजहंस. और पूतना जो है वो एक बकी के समान है, बगड़ी है वो, बगड़ा का भैया बहन होती है बगड़ी. और बगड़ी क्या करती है, बहुत डुप्लीकेट होती है, वैसे खड़े रहते हैं बगड़ा. और क्या किसी को लगेगा, सारे फिश जो है वो सोचते हैं कि ये तो ध्यान कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पर है, मछली के ऊपर ही है. और जैसे ही मछली पास में आता है पकड़ लेता है मछली को. और ये बगड़ा और राजहंस कभी एक साथ नहीं रहते. तो कृष्ण ने कहा कि मेरी आंखें तो राजहंस है, ये बगड़े के साथ उसका संग नहीं करेंगे. ऐसा सोचकर राजहंस कृष्ण ने अपने राजहंस आंखें बंद कर ली, और बगड़ी से सोचा कि ये एक बकी के साथ अपनी आंखें नहीं जाएंगे. क्या सुंदर कारण है ना, आचार्य लिखते हैं इस प्रकार से. अगला ग्यारहवां कारण आचार्य कहते हैं कि लॉर्ड डिड नॉट लाइक बकी बींग सो डुप्लीसिटस. और भगवान सोचने लगे कि क्या रूप लिया है, एक माता का रूप लिया है और मुझे दूध पिलाने के लिए विषपान करने वाली है. तो भगवान बहुत गुस्सा हो गए वहां पर. देखिए, एक बार हम ऐसे लिफ्ट दे रहे थे एक व्यक्ति को टू व्हीलर में, और एक अंधा व्यक्ति वहां पर था. तो अंधा व्यक्ति ये लिफ्ट देने वाले के पीछे बैठ गया, और उन्होंने लिफ्ट दे दी. और जैसे ही लिफ्ट से उतर गया, उसने आंखें खोली और बोला, कैसे तुमको पागल बनाया मैंने, है बोला मैं अंधा है ही नहीं. तो ये व्यक्ति उसको कहने लगा, अरे तुम ऐसे ही लिफ्ट मांगते तो दे देता, अभी मुझे हर अंधे पर शक आएगा कि तू अंधा है क्या नहीं, है क्या नहीं. हर अंधे को लगेगा, पता नहीं चलेगा कि ये सचमुच में अंधा है या नहीं, ऐसे ही लिफ्ट मांग रहा है. तो अब ये अंधे का सवाल है, बकी ने किसका रूप लिया था, माता का. एक शिशु के लिए सबसे सुरक्षित क्या है, माता का दूध. इसलिए कहते हैं कि शिशु को ज्यादा से ज्यादा स्तनपान कराना चाहिए. ये थोड़ा अलग नॉलेज है. आजकल लोगों का नया फैड निकला है कि 3 महीने में ही स्तनपान बंद कराते हैं, लेकिन पहले लोग लगभग 5 साल तक शिशु को स्तनपान कराते थे. तो उसको अंदर से ही इतना वैक्सीन मिल जाता था कि कोविशील्ड वगैरह, तो उसके 10 गुना वैक्सीन अंदर से मिल जाता था. माता का स्तनपान तो बहुत महत्वपूर्ण है, और माता को भी आगे चलकर कभी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता था. दो एडवांटेज है, एक शिशु के लिए एडवांटेज, एक माता के लिए एडवांटेज. ठीक है ना. तो आज भी 98% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इन इंडिया, दे आर इन द सिटी वेयर द लेडीज आर डूइंग लेस स्तनपान टू द चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ एनी रीजन, जॉब है, ये है, वो है, फिगर खराब हो जाती है, व्हाटएवर इट इज रीजन इज. और 2% रीजन है, 2% केसेस है कहां पर, गांव में, जहां पर भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बच्चों को दूध पिलाया जाता है. ठीक है. तो ये रूप लिया किसने, बकी ने, पूतना ने. तो भगवान बहुत क्रोधित हो गए, और क्रोध के कारण भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली. 12वां कारण आचार्य कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते. लॉर्ड वॉन्टेड टू शोड हर दैट शी वॉन्टेड टू फ्राइटन कृष्ण, और कृष्ण भयभीत हो गए, ऐसा नाटक कर रहे थे. बापरे, तो बच्चा है, क्योंकि उसको
पता चला था कि ये बहुत शक्तिशाली बालक है, अपनी शक्तियां छुपा रहा है, लेकिन अब कृष्ण ऐसा करने वाले थे कि उसको जरा इंश्योर करने के लिए, अश्योर, उसको अश्योर क्या देने के लिए, आश्वासन देने के लिए कि मैं सचमुच में डरा हूं, कृष्ण ने क्या कर ली, अपनी आंखें बंद कर ली। ये हो गए 12। 13वां कारण कहते हैं कृष्ण के दो कटाक्ष होते हैं, दो प्रकार से कृष्ण दृष्टिपात करते हैं, एक है करुणा कटाक्ष और दूसरा है रुद्र कटाक्ष। तो भगवान सोचने लगे कि यदि मैं करुणा कटाक्ष डालूंगा तो इसको मार नहीं पाऊंगा, बराबर है, करुणा से देखूं तो कैसे मारेंगे, माता के रूप में आई है, दूध पिलाना चाहती है, इतना सुंदर रूप लेकर आई है करुणा से, और यदि मैं इसको उग्र कटाक्ष डालूं तो वहीं पर वो भस्म हो जाएंगी और रोहिणी यशोदा वो सोचेंगे बाप रे क्या बालक है, माता को ही भस्म कर दिया, तो बाद में रोहिणी यशोदा वो सामने नहीं आएंगे, कृष्ण के बहुत प्रॉब्लम है ना, उनको कृष्ण की अलग प्रॉब्लम है। जैसे वो सुंदर लीला, सुंदर नहीं लीला वो, लेकिन वहां पर जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो कृष्ण इतना गुस्सा थे, कृष्ण सोच रहे थे कि मैं यदि अंदर चला गया वो अधर्म सभा में तो कौरवों के साथ पांडवों का भी नाश कर दूंगा, अभी कंट्रोल ही नहीं है एंगर पे, इतना गुस्सा। तो कृष्ण ने कहा कि अंदर नहीं जाता हूं, सिर्फ अभी का कार्य करता हूं, लज्जा रक्षण करना, बाद में निपट लेंगे इनसे, ठीक है ना। तो कृष्ण के जितना ऊपर जाओगे उतने अलग प्रॉब्लम होते हैं। तो कृष्ण सोचने लगे कि इसके ऊपर कौन सा कटाक्ष डालू, करुणा कटाक्ष डालू या फिर क्रुद्ध कटाक्ष डालू, डिसाइड कर नहीं पाए, इसलिए कृष्ण ने क्या कर दिया, अपनी आंखें बंद कर दी। आगे 14वां कारण कहते हैं कि पूतना एक व्रज गोप को मारने वाली थी, उसको पता नहीं था ये भगवान है करके, और वॉट टू स्पीक ऑफ डूइंग एनी रॉन्ग टू माई डिवोटी, एनी वन हु थिंग्स ऑफ डूइंग रॉन्ग टू देम, आई डोंट वॉन्ट टू सी देयर फेस। भगवान सोचने लगे कि मेरे डिवोटी का अहित करने का तो छोड़ो, मेरे डिवोटी भक्त का अहित करने का कोई सोचता भी है उसका मुख मैं देखना ही नहीं चाहता, इसलिए वैष्णवों के बारे में बुरा विचार करना भी अपराध माना गया है, ठीक है ना। वैष्णव अपराध ऐसे में नहीं कि किसका मर्डर कर दिया तो अपराध नहीं, एक अपराध ऐसे भी है कि वैष्णव आए और हमने हंसा नहीं तो भी अपराध हो गया, ये अपराध है। वैष्णव आए और हमने मतलब यू नो ऐसे स्माइल नहीं किया, हमको आनंद नहीं हुआ, वो भी अपराध है। तो कृष्ण सोच रहे थे कि वैष्णवों का अहित तो छोड़ दो, अहित करने का सोचने वाले को भी मैं कभी मानता नहीं, उसका मुंह भी नहीं देखूंगा, इसका ऐसा सोचकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। आगे कहते हैं कि द ग्लैंस ऑफ द लॉर्ड रिवील्स एवरीथिंग, ठीक है ना, भगवान की जब आंखें, भगवान का दृष्टिक्षेप होता है तो पूरा सच बाहर आता है, और यदि भगवान ऐसे आंखें दृष्टिपात पूतना पर करते तो पूतना का सच बाहर आता, वो ऐसी जिघांसया अपायतत रुधिरासना, वो ऐसा रूप वहां पर प्रकट होता, वो रूप को अप्रकट ही रहने के लिए भगवान ने अपनी आंखें बंद ही रखी। और बाद में 16वां कारण कहते हैं अहम बीज प्रदपिता, पूतना एक माता बनकर आई थी लेकिन भगवान तो सबके पिता है, तो भगवान सोच रहे थे मेरी लड़की आ रही है, what a reason, भगवान सोच रहे थे मेरी बच्ची आ रही है मेरे पास, और प्यार से भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। आचार्य कहते हैं ये तो 16 कारण लिखे हैं, ऐसे अनंत कारण हम लिख सकते हैं लेकिन हमके दया करके 16 ही लिखे हैं, मतलब इतना तो पढ़ो, ठीक है। तो यदि हम ये 16 कारण याद रखेंगे तो जपा में 16 माला में हमारा आंख कभी बंद नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है ना। तो हर एक माला के वक्त एक एक भी कारण याद रखा तो अपना 16 माला ऐसे ही निकल जाएगा। और भक्तों के बीच ये गॉसिप होना चाहिए, भक्तों के बीच द क्वालिटी ऑफ एसोसिएशन मीन्स व्हाट वी डिस्कस इन द एसोसिएशन। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर ये इसका रेट क्या है, उसका रेट क्या है, कौन सा पिज्जा अच्छा है, वो भी ठीक है, मतलब वो भी अच्छा डिस्कशन है, हरिनाम चिंतामणि अच्छा है या गोविंदा पिज्जा अच्छा है, वो भी जिज्ञासा ही है, मतलब इम्पोर्टेंट जिज्ञासा है, ठीक है। परंतु भक्तों के बीच जो आदान प्रदान है, भक्तों के बीच जो वार्तालाप है, वो भगवान के ऊपर केंद्रित होना चाहिए।
व्हाट वी डिस्कस विद डिवोटीज. और जब तक हम प्रभुपाद जी के पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम बात नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए हमें प्रभुपाद जी के पुस्तक भी पढ़ना चाहिए. कितना पढ़ना चाहिए कम से कम? हाँ, तो ये 16 रीजन जैसे 18 बार तो हम विदित करवाएंगे तो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो आगे यहाँ आता है कि सर्वात्मना सुपर सोल नोज एवरीथिंग. तो भगवान को उनके लक्ष्य भी इंटेंशंस भी पता चले. लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया, भगवान ने उनका जो ऑफरिंग था जो देने के लिए आई थी दूध, उसको ग्रहण कर लिया. जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब 26 सेकेंड एवेन्यू में थे तो लोग प्रभुपाद जी को अलग अलग चीज लेकर आते थे, कुछ उचपटांग चीजें लेकर, हिप्पी लोग थे. लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी किसी को ना नहीं बोला. प्रभुपाद जी ने सोचा किया देने के लिए आ रहा है ये तो लेते हैं. प्रभुपाद जी लेते थे और वो सैली अग्रवाल की फ्रिज में रख देते थे, पता नहीं उसका आगे क्या होता था. लेकिन प्रभुपाद जी ने किसी को नकारा नहीं. एक बार एक व्यक्ति आया और प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू दिस, और वो था टॉयलेट पेपर. प्रभुपाद जी सोचने वाले इसको कहाँ पर यूज करें, ठीक है. लेकिन प्रभुपाद जी ने भी वेरी ग्रेसफुल ही एक्सेप्टेड. प्रभुपाद जी ने थैंक यू वेरी मच, यू नो इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड यू हैव गिवन दिस पेपर, और प्रभुपाद जी ने वो रख दिया. तो ये भक्त का और भगवान का स्वभाव है कि जो कुछ भी अर्पण करेंगे वो लेंगे जरूर. इसीलिए हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए. जैसे जिस प्रकार से भगवान ऐसे है, भगवान की व्याख्या जो अन्य धर्म में होती है और जो सनातन धर्म में है बहुत अलग है भगवान की व्याख्या. भगवान ऐसे नहीं है कि वहां पर एक काठी लेकर बैठे हैं और कोई गलती की तो एक मारा इसको, इसको नरक में डाल दिया, इसको तलने के लिए डाला, इसको पकौड़ा बना दिया, इसका बूंदी बना दिया. ऐसे नहीं है भगवान. भगवान जैसे दूसरा उदाहरण आता है अगली लीला जिसको हम देखेंगे नहीं, कि भगवान ने कूद लगाई कालिया दाह में और जैसे ही कालिया आया, कालिया ने जबरदस्त पकड़ा भगवान को, पकड़ में लिया कालिया ने. 2 घंटे भगवान कालिया की पकड़ में थे. आचार्य कहते हैं 2 कारण थे इसके लिए. पहला कारण था भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि मैं कालिया के घर में आया और उसने मुझे आलिंगन दिया, वाह, ही हैज एम्ब्रेस्ड मी, एंड हाउ यू नो अनजेंटलमैनली इट इज टू कम आउट ऑफ द एम्ब्रेस विदाउट हिज परमिशन. तो भगवान सोच रहे थे कि कालिया ने आलिंगन दिया है तो मैं आलिंगन में ही रहना चाहता हूं. ये भगवान है हमारे, ठीक है ना. मैं आलिंगन से कैसे बाहर आऊं, क्योंकि उनमें ही घर में आया हूं, उनका अपमान हो जाएगा. इसलिए 2 घंटा वहां पर थे वो आलिंगन में कालिया के साथ. और दूसरा कारण आचार्य कहते थे कि बरसाना से गोलोक वृंदावन आने के लिए बीच में बहुत बड़ा रास्ता भी है, टाइम लगता है. तो बरसाना से कौन आने वाले थे? श्रीमती राधा रानी. और अपनी लीला भगवान राधा रानी के समक्ष ही प्रस्तुत करना चाहते थे, क्योंकि राधा रानी के प्रस्तुत ना होते तो कालिया का वो नाश कर देते, ठीक है ना. तो राधा रानी का बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो जो असुर राधा रानी के सामने आए, कृष्ण और राधा एकत्र थे तो उन असुर का जीवन बच गया, लेकिन जैसे ही अकेले कृष्ण के सामने आए कोई असुर, उसका उद्धार हो गया, मतलब अलग रूप से उद्धार हो गया. इसीलिए रावण और हिरण वो शूर्पणखा, इन दोनों का एक एक प्रॉब्लम है. रावण वॉन्टेड सीता बट नॉट राम, एंड शूर्पणखा वॉन्टेड राम बट नॉट सीता, ठीक है ना. तो दोनों का भी एक की नाक कट गई, एक की लंका जल गई. तो इसीलिए भगवान के जो भक्त है दोनों को साथ में लेते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है. तो यहां पर ऐसे करते करते अब पूतना ने कृष्ण को उठा लिया, और जैसे ही पूतना ने कृष्ण को उठा लिया, यशोदा माता की तरफ देखा, रोहिणी माता की तरफ देखा, दोनों तो ऐसे स्तब्ध ही थे. और वो स्तनपान कराने के लिए कृष्ण को इन्होंने क्या किया, हाथ में ले लिया. तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर्य उल्बणम घोराम घोरांकम आदाय शिशोर ददावथ गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यत प्राणै समः रोषितान्व अभिबत. तो जैसे ही पूतना ने अपने स्तन भगवान के मुंह में डाले, भगवान ने छोटे बालक 6 दिन के क्रुद्ध होकर उन स्तनों को पकड़ लिया और जोरदार उनका पान करने लगे. तो पहले उन्होंने विष को पिया, उसके बाद दूध को पिया, और उसके बाद सारे प्राण को हरने लगे भगवान श्री हरि. ड्रैंग द पॉइजन मिल्क एंड लाइफ एयर रोष
और अब वो शिवजी के मूड में आए और इसलिए वो शो शब्द आता है शिवजी के कारण, रोष द मूड वॉज ऑफ दैट लॉर्ड शिवा। और जैसे ही भगवान इस प्रकार से आए तो इसके यू नो एक अलग सा श्लोक आता है यहाँ पर, तो बाद में देख आगे आएगा वो। तो बहुत यातना हुई, वेदना हुई पूतना को, और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मां मुंच मुंच मिति प्रभाषिनी, छोड़ दो बालक, छोड़ो वो बालक, छोड़ो, ऐसा करके पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी। और लेकिन भगवान वंस डिवोटी ऑलवेज डिवोटी, भगवान किसी को एक बार पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, छोड़ते नहीं। तो भगवान ने पूतना को बिल्कुल पकड़ के ही रखा, ठीक है ना। तो ऐसा पकड़ के रखने के बाद वो अपने रूप को धर नहीं पाई, उसने तो एक ऐसा रूप लिया था एक ब्रजबाला जैसा, लेकिन इतना पीड़ा, इतना यातना, क्या होता है, इतनी पीड़ा और इतनी यातना में अपना रूप प्रकट हो जाता है, इसीलिए नाटक नहीं करना चाहिए, ऐसे आचार्य लिखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब पूतना उसका श्रृंगार नष्ट हो गया, बहुत बड़ी अचानक से बन गई, बाहर आई, कृष्ण ने उसको उतना बुद्धि दिया, वहीं पर नहीं उस घर में ही उसने विस्तार नहीं किया, बालक को लेकर दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते ऐसी बड़ी बड़ी बनने लगी, इतनी बड़ी बन गई 12 माइल्स 12 मील इतनी बड़ी बन गई, मतलब 18 किलोमीटर, मतलब यहां से शिवाजी नगर तक, अपने को यहां से NVCC से लेकर शिवाजी नगर से आगे निगड़ी तक सोचिए, इतनी बड़ा, इतना बड़ा देह था पूतना का। और कहने लगी, हे बालक, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, और इस प्रकार से कहते कहते पूतना जोर जोर से रुदन करने लगी और वहाँ पर जो पैस्चरिंग ग्राउंड्स थे वहाँ पर जाकर वो गिर गई वहाँ पर, और हजारों वृक्षों के साथ पूतना वहाँ पर गिर गई। और पूतना का जो पतन है वो वृत्रासुर के पतन के साथ यहाँ पर तुलना की गई है, तस्या स्वेन स्वेन नाति गंभीर गभीर रमहसा श्राद्रीर महीर दौक्ष चचाल सग्रहा रसादिदक्ष प्रतिनेदिरे जना पेतु क्षितौ व्रज्र निपात शंकया। यहाँ पर अगले श्लोक में आता है, वज्रा हतो वृत इवापत। सो जिस प्रकार से इंद्र के वज्र के कारण वृत्रासुर पतित हो गए, उसी प्रकार से पूतना यहाँ पर पतित हो गई। तो भागवत में कोई भी पतन को वृत्रासुर के पतन के साथ तुलना की जाती है, क्योंकि वृत्रासुर इतने महान डिवोट भक्त थे कि भागवत बार बार वृत्रासुर को याद करते हैं, ठीक है ना। तो इतनी जोर से गिरी कि पूरा भूमंडल हिलने लगा, अपर एंड लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, ऊपर के लोक और नीचे के लोक भी ऐसा गिरने हिलने लगे, और जो वृंदावन के वासी थे वो तो पूरा बेहोश होकर गिर गए वहां पर। तो जिस प्रकार से वज्रपात होता है या फिर जिस प्रकार से वृत्रासुर गिरे, उसी प्रकार से पूतना वहां पर गिर गई। और यहां पर ये पूतना का दूसरे रूप का वर्णन है, द राक्षस माउथ वॉज फुल ऑफ टीथ, उसका भयंकर कराल मुंह था, रिजेम्बलिंग द टीथ वेयर रिजेम्बलिंग द फ्रंट ऑफ द प्लो, एक प्लो, प्लो को क्या कहते हैं, हल, हल का जो दांत होते हैं उसके समान ये पूतना के दांत थे। हर नॉस्ट्रिल्स वेर डीप लाइक द माउंटेन केव्स, उसके जो नाक थे वो एक बड़े बड़े गुफा के समान अंदर थे। हर ब्रेस्ट रिजेम्बल लाइक द ब्लिक बिग स्टोन स्लैब्स, उसके जो स्तन थे जिसके ऊपर कृष्ण थे वो ऐसे एक दो पर्वत के समान लग रहे थे। द स्कैटर्ड हेयर वेर दैट ऑफ द कॉपर कलर, उसके लाल रंग के बाल थे, और द सॉकेट्स ऑफ हेयर अपियर लाइक द डीप ब्लाइंड वेल्स, उसके जो चक्षु थे ऐसे दो वेल, दो बड़े गहरे कुएं के समान लगने लगे, और हर फियरफुल थाइस रिसेम्बल्ड लाइक द बैंक्स ऑफ रिवर, ऐसा लगा कि ये कोई नदी है, एंड हर आर्म्स लेग्स फीट अपियर लाइक द बिग ब्रिजेस, और उनके जो हाथ थे पाव थे ऐसा लगा कि अटल सेतु बना है, ठीक है ना, ऐसा ऐसे लग रहा था उसको। और बाकी लोग सोचने लगे, अपने ही घर में थी अभी ये और इतना बड़ी बन गई, सोचो आपके किचन में कोई बैठा है और बाहर आकर ऐसा बन जाता है कि यहां से लेकर निगड़ी तक गया हूं शरीर उसका, क्या होगा।
तो बहुत ही वो क्या होने लगे, आश्चर्य होने लगे। अब ये, अब देखिए ये फॉर्म और द प्रीवियस फॉर्म, पूतना के दो रूप के वर्णन यहां पर है, पहला वाला वर्णन था और ये वाला वर्णन है, ठीक है ना। और अगला वाला वर्णन आएगा कि कैसे पूतना एक लक्ष्मी समान भगवान की माता बन गई, कहां पर, आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन में, ठीक है। बालम सतस्या उरसी क्रीडांतनम कुतो भयम गोपीस्तूर्णम। तो यहां पर सारे गोपियां वहां पर आए और पूतना के देह पर चढ़ने लगी और वहां पर कृष्ण को वहां पर पकड़ कर लाए और कृष्ण को उन्होंने क्या किया, यशोदा मैया के हाथ में रख दिया और सोचने लगे कि आज ये 6 दिन का बालक केवल हमारे साधना के कारण ही बच गया। साधना अच्छा करोगे तो बहुत अच्छा होगा जीवन में, क्योंकि हम साधना कर रहे हैं, भगवान नारायण को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसके कारण ये बालक बचा। नहीं तो इतनी बड़ी राक्षसी और 6 दिन का बालक, जिसको ये क्या कहते हैं हिंदी में उसको, हाँ मान पकड़ नहीं मराठी है जो गर्दन भी नहीं पकड़ सकता, इसने उसको लेकर उड़ी थी ये पूतना, ठीक है। तो प्रभुपाद जी यहां पर लिखते हैं तात्पर्य में कि लोग सोचते हैं कि हम भगवान बनते हैं, तो भगवान कोई कभी बनता नहीं है। 6 दिन का बालक भगवान 6 दिन के स्वरूप में भी भगवान है और 125 साल के रूप में भी भगवान है। ऐसे नहीं है कि कोई योगा में जाकर, फैक्ट्री में जाकर डोनेशन देकर, कुछ मंत्रा पढ़कर भगवान भगवान बने हैं, ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांग थे इसके बारे में, कहते थे इफ प्रभुपाद, एक बार व्यक्ति आए कहने लगे कि प्रभुपाद देयर इज अ स्वामी हु सेज आई एम गॉड, व्हाट इज योर रिएक्शन। प्रभुपाद सेड एनीबॉडी हु सेज आई एम गॉड ही इज डॉग, यू नो। तो और दूसरे दिन पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स में हेडलाइन छपा था कि स्वामी भक्तिवेदांत कॉल दिस एंड दिस स्वामी डॉग, उनको क्या कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए। तो प्रभुपाद ने दे दिया कॉन्ट्रोवर्सी, ठीक है ना, ले लो। परंतु कोई भगवान नहीं बन सकता, ये हमें मन में लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साधना बन लेकर ये कर कर हम भगवान बनने वाले, नहीं, वी विल बिकम ग्रेटर देन गॉड बाय बिकमिंग डिवोटी ऑफ गॉड, ठीक है। तो आगे यहां पर बालक को वहां पर लेकर आए और जो गाय का जो ये था वहां से गाय के पास बालक को रख दिया और रोहिणी और यशोदा क्या करने लगे, गाय के पूंछ के जो बाल होते हैं उनसे उनको ये करने लगे, प्रदक्षिण करने लगे, उनके ऊपर गाय के खुर की जो धूल होती है उसको उनके ऊपर डालने लगे, गोमूत्र से भगवान को स्नान करने लगे, गो जो गोरज है वो भगवान को अभिषेक करने लगे। 6 दिन के बालक को, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यंग 16-year-old कृष्णा, नो, 6 दिन के बालक को ये सब गाय के प्रति, ठीक है ना। तो नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये यहाँ पर गो रक्षा का महत्व श्रीमद् भागवत में आता है और इसके बाद ये सारी माताएं मिलकर भगवान की सुरक्षा के लिए बहुत सुंदर श्लोक कहने लगे। तो ये सारी माताओं को ये श्लोक याद होना चाहिए, अपने बच्चों के लिए ये श्लोक पढ़ना चाहिए जो यशोदा माता अपने कृष्ण के लिए कहती थी। तो इसको पढ़ेंगे हम, अव्यादजोंग्रिमणिमान स्तवजान वथोरु यज्ञोच्युतकटितटं जठरं हयास्य हृत्केशवत्स्त्वद उद उर ईश ईनस्तु कंठम विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरकम् चक्रग्रतक सहगदोर हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोनि धनुरसि मधुहाजनस्य कोणेषु शंख उरुगाय उपरि उपेन्द्र तार्क्षक्षितौ हलधर पुरुष समन्तात् इन्द्रियाणि ऋषिकेश प्राणं नारायणो वतु
श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरो वतु पृत्पृष्णिगर्वस्तुते बुद्धि आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधव व्रजन्तमव्याद्वैकुण्ठ आसिनं त्वां श्रियपतिः भुञ्जानं यज्ञभुक्पातु सर्वग्रह भयंकर। तो भगवान के अलग अलग अंगों का रक्षण और भगवान के भगवान का अलग अलग कार्य करते समय का रक्षण, इसके लिए ये मंत्र है। तो हमें छोटे बच्चों के लिए ये मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए, या आप नोट कर दीजिए 10.6.22-26, ठीक है ना। अव्याद अजांग्री मणिमो मणिमान मणिमांस तव जानव थोरु यज्ञोच्युत कटितटम जठरम हयास्य। जठर का ये रक्षण करे, उरु का ये रक्षण करे, कंठ का ये रक्षण करे, मुख का ये रक्षण करे, इस प्रकार से। व्रजंतम अव्याद वैकुंठम, क्रीडंतम क्रीड़ा करते समय गोविंद रक्षण करे, शयन करते समय माधव रक्षण करे, इस प्रकार से। ये बहुत सुंदर श्लोक यशोदा माता और रोहिणी माता और सारी जो माताएँ थी वहाँ पर कृष्ण के, गोपी माताएँ, तो वहाँ पर ये श्लोक कृष्ण को करके उनका रक्षण करने लगे। और तब तक नंद महाराज नंद भवन में पहुंच गए, ठीक है ना। और तब उन्होंने देखा कि ये बड़ी पूतना ऐसी वहां पर पड़ी है, सोचने लगे क्या हुआ ये वो। लेकिन देखिए ये दूसरा उदाहरण है, द मूड ऑफ ब्रजवासी। वो सोचने लगे अरे पूतना तो आई तो अतिथि करके ही आई थी, तो इसको ऐसे थोड़े ही हम छोड़ देंगे। अघासुर को छोड़ दिया था क्योंकि वो एक पशु था, लेकिन पूतना मनुष्य रूप में आई थी, तो उन्होंने सोचा कि मनुष्य रूप में आई पूतना का यहाँ पर अंत हुआ है, तो उसका अंत्य संस्कार हम करेंगे। अभी 12 मील मतलब 18 किलोमीटर का अंत्य संस्कार कैसे करेंगे। तो सारे जो ब्रजवासी थे पुरुष अपने हथियार लेकर वहाँ पर गए और पूतना के अलग अलग अंगों को उन्होंने काट दिया और उसका एक बहुत बड़ा पहाड़ बनाया और उसको जला दिया, ठीक है ना। ब्रजवासी भक्तवृंद की जय। अलग अलग सेवा है वृंदावन में, ठीक है, वी शुड बी एक्साइटेड। और यहाँ पर लिखते हैं कि जैसे ही पूतना का शरीर जल रहा था, एक सुंदर अगुरु जैसा वहाँ पर, चंदन जैसा वहाँ पर सुवास सारे आसमंत में फैल गया, क्योंकि पूतना का शरीर अब शुद्ध हुआ था, क्योंकि उसने कृष्ण ने पूतना के शरीर को स्पर्श किया था। उसी प्रकार से जिन जिह्वा पर भगवान का नाम आता है, वो जिह्वा वो शरीर शुद्ध बन जाता है, ठीक है ना, धीरे धीरे। तो जो हम कार्य कर रहे हैं अभी, अपने को ऐसा लगता है कि इतने सारे डिवोटी हैं, हम भी एक है, हाँ हम भी एक है, लेकिन जो कार्य है वो बहुत जबरदस्त कार्य है। ऐसे ही कोई कार्य नहीं करता, भगवत भक्ति में आना, सालों साल भगवत भक्ति में टिके रहना, गीता भागवत का पाठ करना, भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सारे लोग एक तो भगवत धाम चले जाएंगे, नहीं तो भक्ति में कुछ त्रुटि होगी तो कुछ बहुत बड़े बड़े देवता वगैरह बन जाएंगे, इस इतनी सी भक्ति के कारण। दिस भक्ति इज इनफ टू मेक यू ब्रह्मा इन द नेक्स्ट लाइफ। कितने जन को बनना है ब्रह्मा जी, है ना। इतनी जबरदस्त ताकत है ये महामंत्र में। इसीलिए जब भी कोई इस भौतिक जगत का प्रॉब्लम, कभी प्रॉब्लम संकट आता है जीवन में, तो भगवत भक्ति को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए क्या भगवान इतना भक्ति किया हमारे जीवन में ऐसे कैसे चला, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। माया अवश्य प्रयास करेगी कि भगवत भक्ति से हमें दूर लेके जाए, परंतु कोई भी स्तर में हम भगवत भक्त ही रहेंगे। वंस अ डिवोटी ऑलवेज अ डिवोटी, अपने आप को बताना है कि नहीं भैया थोड़ा चलेगा। एक भक्त थे, वो आए, बहुत अच्छे भक्त थे या? मतलब बाद में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 20 साल के बाद मिले और एक ही बात कहा उन्होंने, वन स्टेटमेंट। और उन्होंने कहा कि हम बाकी भक्त थे साथ में, पहले हम साथ में रहते थे, अब वो कहीं और चले गए और बाद में आए, अब वो भक्त बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं भक्त, लेकिन 20 साल भक्ति नहीं कर पाए बीच में।
वो कहने लगे कि प्रभु जी डिफीटेड बोथ मटेरियली एंड स्पिरिचुअली। तो उनका कुछ तो उनको लगा कि जब बहुत भक्ति कर रहा हूँ थोड़ा भक्ति कम करके बाकी कुछ कार्य करेंगे, लेकिन बाकी कुछ कार्य में भी उनका प्रॉब्लम हो गया, भक्ति भी छूट गया। और 20 साल के बाद क्या कहा उन्होंने, डिफीटेड बोथ मटेरियली एंड स्पिरिचुअली। इसीलिए एक भक्त कहते हैं कि जब आप 50 साल के बन जाओगे और अपने जीवन को देखोगे पीछे मुड़कर, सारे लोग थोड़ा पीछे मुड़ो, थोड़ा आई हैव टू कीप पीपल एक्टिव ऑल्सो, ओके, तो पीछे नहीं नहीं मुड़ो मुड़ो पीछे मुड़ के देखो, है अपना हॉल भरा है, ठीक है। तो पीछे मुड़कर जब हम देखेंगे 50 साल के जीवन को, तो दो में से ही एक वाक्य आएगा। पहला वाक्य आएगा, एटलीस्ट आई एम अ डिवोटी, ठीक है ना। कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक के जीवन में ऊपर नीचे होने वाला है रोलर कोस्टर राइड। भगवत भक्ति को हम यदि दृढ़ता से पकड़ के रहेंगे, खुश रहेंगे कि ठीक है भैया जीवन तो आगे पीछे होता गया, ये हुआ ये नहीं हुआ, ये डूब गया, इधर बिजनेस डाला उसका बैंड बज गया, जीवन का ये हुआ, वॉट एवर हैपेंड, लेकिन एटलीस्ट आई एम अ डिवोटी। आइदर दिस विल बी वन स्टेटमेंट, नहीं तो अपना दूसरा स्टेटमेंट होता, एटलीस्ट आई शुड हैव बीन अ डिवोटी, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें भगवत भक्ति को पकड़ के रखना चाहिए, दृढ़ व्रता। कुछ जो कुछ हो जाए, भले दुनिया इधर से उधर हो जाए, जैसे पांडवों ने भगवत भक्ति को कभी नहीं छोड़ा, ठीक है ना। पांडवों का जीवन देखिए क्या जीवन था, एक के बाद एक। और ऐसे नहीं कभी राजपुत्र बने, कभी चक्रवर्ती सम्राट, कभी वन में भिखारी। मतलब ऐसे देखो, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी टॉपर, सेकंड ईयर में सारे सब्जेक्ट में फेल, थर्ड ईयर में यूनिवर्सिटी टॉपर, फोर्थ ईयर में सारे सब्जेक्ट फेल। वो उसके पेरेंट्स बोले कि बेटा टॉपर तो बनो नहीं तो फेल तो हो जाओ, ये इतना हैंडल नहीं कर सकते हम। तो पांडवों का जीवन इस प्रकार से था, और अपना जीवन बहुत सरल है पांडवों के जीवन के तुलना में, ठीक है ना। तो कभी माया का ये सुझाव आएगा कि भक्ति छोड़ दो, ज़्यादा कर रहे हो भक्ति, क्या इतना करना है भक्ति भक्ति, थोड़ा आराम से करो भक्ति, तो उसे हमें जानना चाहिए कि ये माया बात कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वृंदावन के ब्रजवासियों का मूड बताते हैं भागवतम में। और यहाँ पर एक फलस्तुति आती है, फलश्रुति, कि पूतना की कथा को हम सुनेंगे तो क्या परिणाम मिलेगा। तो इसको पढ़ते हैं हम, य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक अद्भुतम शृण्वया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। तो कोई व्यक्ति श्रद्धा से पूतना के संहार के बारे में, पूतना वध के बारे में सुनेगा, तुरंत उसे भगवान गोविंद के प्रति रति प्राप्त होगी, कृष्ण भगवान की, ठीक है ना। तो ये हो गया पूतना का कथा। आगे चलते चलते तो भगवान इस प्रकार से है, भगवान को एक परिस कहा गया है, परिस मतलब टच स्टोन। भगवान जिसे भी स्पर्श करते हैं वो व्यक्ति मौल्यवान बन जाता है, ही बिकम्स यू नो वैल्यूएबल बाय द टच ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, ठीक है ना। इसलिए भगवान को क्या करना है, क्या कहा है। इस लीला में पूतना का भी बहुत सारा ग्लोरिफिकेशन है, क्यों, क्योंकि पूतना में दो बहुत जबरदस्त क्वालिटी थी। पहली क्वालिटी थी कृष्ण के पास चली आए, ठीक है ना। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उदारा सर्व ये वैते, चार प्रकार के लोग मुझे शरण में आते हैं, आर्तो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ, सारे लोग उदार है। क्यों, उनमें उदारता क्या है, भगवान के प्रति आना ही उनकी उदारता है, ठीक है ना, भगवान के प्रति आना उनकी उदारता है। इसीलिए पूतना को उदार कहा गया है, क्योंकि वो आई वृंदावन में आई, और दूसरा ड्रेसिंग भी करके आई, ब्रज गोपी का ड्रेस पहन कर आई, वो भाव लेकर आई, भले ही कुछ इधर उधर उटपटांग चीजें लगा कर आई, लेकिन कृष्ण ने देखा कि आई तो वृंदावन में एक माता के स्वरूप में आई। तो इसीलिए भगवत भक्ति को कहा है शिव पंथ, इससे ज्यादा मंगलमय मार्ग कोई नहीं है। देखिए कोई ऐसे बालघातनी को माता का स्वरूप देते हैं तो उससे ज्यादा दयालु भगवान कौन से होंगे, और उससे ज्यादा मार्ग अच्छा कौन सा होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं जब अघासुर आता है, तो अघासुर को पता नहीं है पूतना का गति क्या हुई है, इसलिए अघासुर बहुत क्रुद्ध होकर आता है। लेकिन जब अघासुर आता है तो भगवान की अलग लीला चलती है। अब भगवान देखते हैं
अघासुर कौन है? वो देखते हैं, अरे ये तो पूतना माता का छोटा भाई है। तो कृष्ण अघासुर को, ही सीज अघासुर एज डिवोटीज डिवोटी। आई मीन दिस इज टू मच। देखिए पूतना को डिवोटी देखा ठीक है, लेकिन अघासुर जब आता है तो अघासुर के मुख में कृष्ण चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्णा सीज डिवोट अघासुर एज। अघासुर क्यों आया था? बदला लेने के लिए। किसका? पूतना का। क्यों? क्योंकि उसको पूतना के प्रति प्रेम था। और पूतना कौन है? अभी पूतना माता, भगवान के अनेक माता है, उसमें से एक है पूतना माता, ठीक है ना। वो पूतना माता बन गई अभी। लेभे गतिम धात्रिम उचितम ततोन्यम कम्वा दयालु। तो कृष्ण ने सोचा, अरे ये तो पूतना माता का भाई है, मतलब मेरा कौन हो गया? मामा हो गया। तो वो सोच रहे थे कि ये तो मेरे डिवोटी के डिवोटी है, और उसके अंदर चले गए फिर। ठीक है, ये है हमारे कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान की जय। तो यहाँ पर एक छोटी लीला है आपको थोड़ा सा एक विराम देने के लिए। कृष्ण भगवान की जय। सो दिस इज द सेलिब्रेटेड फैमिली, पूतना, बकासुर एंड अघासुर। तो इसके बाद भागवत में चर्चा आती है शकटासुर, और उसके बाद चर्चा आती है त्रिणावर्त की। तो ये दो कथा भी छोटे छोटे रूप में देखेंगे हम। श्री राजोवाच, तो बहुत सुंदर श्लोक आता है आगे। देखिए बहुत सुंदर चित्र है ये शकटासुर, और शकटासुर के ये इसमें कृष्ण शकट के नीचे। श्री राजोवाच, येन येनावतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानि च न प्रभो। तो यहाँ पर ये श्लोक में इसको हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। श्री राजोवाच, येन येनावतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानि च न प्रभो। यच्छृण्वतोपैतिरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यच्चिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। तो कृष्ण लीला के, विशेषता बाल लीला के स्मरण करने के सात प्रभाव क्या है? कर्ण रम्याणी, यह बहुत सुंदर है, प्लीजिंग टू द ईयर्स, अब हमारे कानों को रममान करने वाली है। कर्ण रम्याणी, मनत न्यानी, वेरी अट्रैक्टिव टू द माइंड, हमारा मन कोई सुंदर वस्तु के लिए तड़पता है। तो ये कृष्ण कथा में मन लग जाए तो मन भी संतुष्ट प्राप्त करेगा। अपैति अर्थ, ये कृष्ण के प्रति जो उपेक्षा है, डिस्ट्रॉयस अपेथी, जो उपेक्षा है उसका नाश करता है। सत्वम च शुद्ध्यन्ति अचिरेण, तो हार्ट बिकम्स प्यूरिफाइड वेरी क्विकली। हृदय को अचिरेण तावकम, मतलब बहुत ही जल्द हृदय को शुद्ध करने वाला है। भक्ति हरौ, भगवान कृष्ण के प्रति, हरि के प्रति भक्ति प्रदान करने वाला है। तत् पुरुषेष सख्यम, ये बहुत सुंदर है, और भक्तों के बीच आकर्षण बढ़ाने वाला कृष्ण कथा है, ठीक है ना। यू वी कैन बिकम क्लोज डिवोटी नॉट सिंपली बाय गोइंग टू पिकनिक्स बट बाय डूइंग सेवा एंड हियरिंग कृष्ण कथा टुगेदर, ठीक है। तो कभी कभी लगता है कि किसी भक्त के साथ हमें हमारा संबंध बढ़ाना है, तो भक्त के साथ संबंध बढ़ाना है तो क्या करना होगा? हमें साथ में मिलकर सेवा करनी होगी, ठीक है। तो इसके कारण ही भक्तों के बीच ये प्रेम का संबंध बनाए रहेगा। तो दीज आर द सेवन इफेक्ट्स ऑफ हियरिंग कृष्ण कथा। देर इज अ वेरी ब्यूटिफुल क्लास बाय हिज ग्रेस गौरांग दर्शन प्रभु ऑन दिस टॉपिक, कि इन सात सात कारण, सात लक्षण क्या है कृष्ण कथा सुनने के, ठीक है ना। तो यहां पर आगे अब लीला आती है कि अब कृष्ण लगभग 3 महीने के हो गए, और कृष्ण का उत्थान चलने लगा। उत्थान मतलब कृष्ण ऐसे एक बाजू से दूसरी तरफ मुड़ने लगे और उठने का प्रयास करने लगे। और भारत का कल्चर ऐसा है, सनातन धर्म का, कि कोई भी कार्य हो शिशु का उसको सेलिब्रेट किया जाता है।
तो ये उत्थान लीला यहाँ पर यशोदा माता ने कहा कि मैं उसको सेलिब्रेट करने वाली हूँ। तो पहला जो उत्सव था वो नंद उत्सव था, जो कृष्ण के पिताजी मना रहे थे, एंड मदर वॉज कोऑपरेटिंग। सो पिता नंद उत्सव मना रहे थे, माता ने सहयोग दिया। अब ये जो उत्सव है ये माता मनाने वाली थी, कृष्ण की माता यशोदा, और उनके पिता नंद महाराज पूरा सहयोग देने वाले थे। तो यहाँ पर द सेंट्रल फिगर ऑफ दिस फेस्टिवल इज यशोदा माता। तो यशोदा माता कृष्ण को लेकर आए, अनेक यज्ञ करने लगी, अनेक ब्राह्मण वहाँ पर आए और ब्राह्मण अनेक अनेक मंत्रों का पाठ करने लगे। और ऐसे करते 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 क्या हुआ, कृष्ण को भूख लग गई। तो कृष्ण को यशोदा माता ने स्तनपान किया, दूध पिलाया, और बाद में इस प्रकार से अन्नप्राशन भी वहाँ पर हुआ। और फिर कृष्ण वहाँ पर वेद का पठन चल रहा था, इस प्रकार से कार्य चल रहा था, कृष्ण वहाँ पर सो गए। और जैसे ही कृष्ण सो गए तो माता यशोदा ने सोचा कि मैं कृष्ण को अब थोड़े से एक सुरक्षित जगह पर रख देती हूँ। इसलिए एक बहुत बड़ा ऐसा विशाल एक शकट था वहाँ पर, कार्प, और शकट के नीचे जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े ऐसे बर्तन रखे गए थे वहाँ पर उन्होंने रख दिया। और ये शकट के नीचे कृष्ण को माता यशोदा ने रख लिया और सोचा कि थोड़ा कृष्ण भी थके हैं और इतना सारा सेवा करके थोड़ा मैं भी थकी हूँ, तो मैं भी थोड़ा एक छोटा नैप लेती हूँ। ऐसा करके माता यशोदा भी एक छोटा सा नैप लेने के लिए चली गई। तो कृष्ण सो गए, माता यशोदा भी सो गई। माता यशोदा उठ गई, जो अतिथि है उनका सत्कार करने लगी, और फिर वहाँ पर थोड़ी देर के बाद कृष्ण भी उठ गए। और उन्होंने जब सो रहे थे तो माता के गोद में थे, और उठे तो शकट के नीचे थे। और उठते ही कृष्ण को भूख लगी, और जैसे ही उनको भूख लगी वो माता को पुकारने लगे। लेकिन माता तो अभी इतने सारे कार्य में व्यस्त थी तो उनके वहाँ तक कृष्ण का आवाज़ नहीं पहुँच पाई। तो कृष्ण बहुत गुस्सा हो गए, और गुस्से से जैसे एक बालक अपने हाथ पैर हिलाता है वैसे हाथ पैर हिलाने लगे। और हिलाते हिलाते एक पैर उन्होंने ऐसा ऊपर शकट को भी लगा दिया। तो कृष्ण का नन्हा पैर जैसे ही शकट को लगा, ये पूरा शकट टूटकर जमीन पर आ गिरा। और कृष्ण सोचने लगे कि मेरे आवाज़ से माता यशोदा नहीं आती, तो मैं क्या करता हूँ, ये सारे जो बर्तन है इसका आवाज़ करता हूँ। तो सारे बर्तन इस्त व्यस्त पसर गए, और इतना बड़ा जोर से आवाज़ आया कि सारे ब्रजवासीगण वहाँ पर आए और सोचने लगे कि कहाँ रखा था कृष्ण को। और यशोदा नंद महाराज कहने लगे कि अरे यशोदा, ये तो तुम्हारा उत्सव था और कृष्ण को तुम्हारे हवाले किया था, तुमने कृष्ण को कहाँ रखा, एक शकट के नीचे रखा। और यशोदा माता बेचारी वो सोचने लगी कि इतना बड़ा शकट, मैं तो सोच भी नहीं पा रही थी कि शकट नीचे आएगा। और वो वहाँ पर जो बच्चे थे उनको कहने लगी कि कैसे शकट टूट गया। तो बच्चे थे वहाँ पर, बच्चे कहने लगे कि कृष्ण उठ गए और कृष्ण ने एक पैर ऊपर मारा और शकट टूट गया। और ये जो बड़े लोग थे वृंदावन के, इतने वहाँ पर गुस्सा हो गए बच्चों के। यहाँ एक शब्द आते हैं वहाँ पर, अप्रमेयम। अप्रमेय मीन्स हियरिंग सच इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, दे बिकम वेरी एंग्री। ऐसे कुछ भी बात करते हो, कृष्ण नन्ना सा 3 महीने का बालक, उसका पैर लगकर शकट गिर गया। और बच्चों को वहाँ से भगा दिया वहाँ से। और फिर से कृष्ण को माता यशोदा अंदर लेकर गई, जो फिर से वो अव्याध जोंगरी मणिमांस और गो माता का ये सब करके किया। और सोचने लगी कि मुझे बहुत सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के पास आसपास ऐसा ही कुछ उल्टा पुल्टा हमेशा होता रहता है, सदैव ऐसा ही कुछ होता रहता है। तो शकट में शकटासुर नाम का एक असुर था जिसे कंस ने भेजा था। और आचार्य कहते हैं कि शकटासुर मतलब द ओल्ड एंड द न्यू हैबिट्स दैट वी हैव विच आर ऑब्स्ट्रक्टिंग अवर डिवोशनल ग्रोथ। तो भगवत भक्ति से आने से पहले या फिर भगवत भक्ति में आने के बाद भी अनेक आदतें हमें लगती है या पहले से है, जिनके कारण हम भगवत भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते, वो शकटासुर के समान है हमारे हृदय में। तो अनेक आदतें होती है, इसलिए शरणागति की व्याख्या क्या है, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। जो कुछ अनुकूल है उसका संकल्प करना चाहिए, और जो प्रतिकूल है उसे त्याग देना चाहिए धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि एक अगले दिन हम शुद्ध भक्त बनने वाले हैं, लेकिन हमारा जो प्रोग्रेस है उस तरफ होना चाहिए कि हाँ, कि मुझे इन इन चीज़ों को नहीं ग्रहण करना चाहिए, मांसाहार को छोड़ देना चाहिए, या फिर इस प्रकार से मेरा खाना लेना चाहिए।
तो हमें धीरे धीरे अनुकूल है उसे जीवन में लाना चाहिए, धीरे धीरे, हाँ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है धीरे धीरे, और प्रतिकूल वस्तु को जीवन से दूर करना चाहिए धीरे धीरे। तो ये शकटासुर कहते हैं इसको, जो हमें कृष्ण से दूर रखता है, किसके कारण? हमारी बुरी आदतों के कारण। तो शकटासुर के बाद आती है लीला तृणावर्त की, ठीक है ना। तब अब क्या हुआ आगे चलकर, ये लीला तृणावर्त की लीला बाद में आती है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि ये शकटासुर से पहले संपन्न हुई थी लीला वृंदावन में, लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी है वो पूरे एक्सटसी में है, तो एक्सटसी में कथा कर रहे हैं, तो ही हैज लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम, देयरफॉर स्क्रिप्चर्स आर नेवर क्रोनोलॉजिकल, स्क्रिप्चर्स आर ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, ठीक है ना। दिस शुड बी वेरी क्लियर, हमारा जो इतिहास लिखा है वो क्रोनोलॉजिकल लिखता है कि 1914 में ये हुआ, 1920 में ये हुआ, 47 में ये हुआ, ऐसे हम इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन पुराण और जो वेद है दे आर नॉट कीपिंग टाइम इन द सेंटर, दे आर कीपिंग कृष्ण इन द सेंटर, ठीक है। तो अदरवाइज विच टाइम, टाइम कम्स टू जीरो वेन एवर यू हैव यस्य कनिष्वसित कालम अथावलंब्य, अगेन द टाइम स्टार्ट्स, ब्रह्मा जी कल्प इज ओवर, अगेन द न्यू टाइम स्टार्ट, विच टाइम, राइट। इसीलिए कृष्ण को केंद्र में रखकर पूरी लीला का वर्णन होता है, ना समय को रखकर, ठीक है। तो ये लीला इससे पहले होती है। तो एक दिन क्या हुआ, दिस इज द फाइनल वन, कृष्ण माता यशोदा के गोद में थे और माता यशोदा कृष्ण को स्तनपान करा रही थी और बहुत प्रेम से उनके मुखमंडल को देख रही थी, लेकिन अचानक कृष्ण बहुत ही हेवी मतलब भारी होने लगे, और कृष्ण इतने भारी होने लगे कि माता यशोदा को लगा कि लगभग पूरे ब्रह्मांड का भार मेरे ऊपर है, और माता यशोदा ने कृष्ण को अपने गोद से उठाया और नीचे वहां पर रख दिया, सुरक्षित जगह पर रख दिया, और कुछ कार्य करने के लिए माता यशोदा अंदर चली गई और वहां पर ही वो व्यस्त हो गई। और तब कंस ने एक दूसरे असुर को बुलाया था जिसका नाम था तृणावर्त। तो तृणावर्त था ये एक बहुत जबरदस्त असुर था, और ये एक इट्स लाइक हरिकेन, हरिकेन मतलब वर्लविंड, नहीं हिंदी में भवंडर, एक भवंडर के रूप में ये तृणावर्त वहां पर वृंदावन में आ रहा था। तो बहुत सुंदर श्लोक आते हैं वहां पर कि तमसा रजसा, कि वृंदावन का पूरा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो पूरा धूली से भर गया और कोई किसी को नहीं देख पा रहा था, और जैसे ही ये तृणावर्त आया बिल्कुल नंद भवन में आकर, जैसे ही तृणावर्त कृष्ण के नजदीक आए, कृष्ण ने क्या किया, बिल्कुल एक फूल के समान हल्के बन गए, और तृणावर्त उसको झपट कर कृष्ण ऊपर लेकर गए। और जब इस प्रकार से पूरा धूल से भरा था, वह भवंडर चल रहा था, तो माता यशोदा बाहर आई और सोचने लगी कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, और तब तक तो कृष्ण ऊपर गए थे तृणावर्त के साथ, ठीक है ना। तो तृणावर्त के साथ ऊपर गए तो माता यशोदा जोर जोर से रोने लगी, बाकी सब जो एल्डरली गोपी से वो भी वहां पर आए और डांटने लगे यशोदा को, कहने लगे कि यशोदा ऐसे कृष्ण को तुमने नीचे रखा ही कैसे। सी दिस इज द पॉइंट, यू नो व्हेनेवर देयर इज अ मिस्टेक इट इज वेरी इजी फॉर यू नो टू डाटोफाई द मिस्टेक। तो माता यशोदा बिचारी वो कहने लगे कि नहीं नहीं मेरे पास ही था कृष्ण, लेकिन कृष्ण इतना भारी हो गए, और फिर ये कहने लगे कैसी माता हो तुम, अपना बेटा भारी लगने लगा तुम्हें। तो फिर माता यशोदा तो फिर और मायूस हो गई और रोने लगी और कहने लगी कि क्या, व्हाट काइंड ऑफ मदर आई एम, और दिस इज ऑलवेज नेचर ऑफ मदर यशोदा। जैसे आगे पूतना के समय एक शब्द आता है अतिवाम चेष्टितम, कि पूतना माता होने का नाटक इतना जबरदस्त कर रही थी कि यशोदा और रोहिणी सोच रहे थे कि माता हम ही है, ये क्या माता है, बराबर है ना। वो सोच रहे थे कि इतना प्रेम उमड़ के आ रहा है कि इतना प्रेम में तो हम में हम नाटक भी नहीं कर सकते ऐसे प्रेम का, ऐसा यशोदा मैया और रोहिणी माता सोच रही थी पूतना को देखकर। तो अभी भी माता यशोदा बहुत मायूस होकर रोने लगी, और तब तक कृष्ण ऊपर जा रहे थे, और आपको पता है कितना ऊपर गए कृष्ण, भागवत लिखता है 800,000 योजन ऊपर गए, एक योजन मतलब 1.5 माइल, 1 माइल, 1 योजन इज 1 माइल, रिफ्लेक्टिव 1.5 किलोमीटर इज 1 योजन,
800,000 मतलब 8 लाख योजन ऊपर गए, मतलब 12 लाख किलोमीटर तृणावर्त इनको ऊपर लेकर गया, ठीक है ना। तो इफ यू आर टू एंड एक्साइटेड बाय एलन मस्क, अपना भी है मस्क, ओके, ऊपर लेकर जाता है और यू विल बी रियली सरप्राइज्ड जब गिरे, बाद में आएंगे उधर, यू नो रिटर्न जर्नी ऑफ तृणावर्त। तो और कृष्ण तो बहुत उत्साह था, यू नो जैसे बच्चों को आप ऊपर डालो तो उत्साही होते बच्चे, है हंसते, लेकिन ज्यादा ऊपर डालो तो रोते हैं, लेकिन कृष्ण तो भगवान है, इनको ऊपर डाला तो हंसने लगे, और तृणावर्त देख रहा है कि बच्चा हंस रहा है तो उसको और ऊपर और ऊपर और ऊपर लेकर 800,000 योजन ऊपर लेकर गए। तो भागवतम कहते हैं इसके दो कारण थे, एक तो कृष्ण को भी बहुत ज्यादा ऊपर से देख रहा था अपनी लीला क्या चल रही है, और दूसरा कारण था कि जब से पूतना वहां पर आई थी वृंदावन में, उसके बाद वृंदावन में एनी जो अपरिचित व्यक्ति है उसका आना बंद कर दिया था। तो सारे जो देवी देवता थे, विशेषता जो देवताएं थी, वो अलग अलग रूप लेकर आती थी वृंदावन में कृष्ण का दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी उसको एंट्री बैन कर दिया, तो ये जो बाकी देवताएं थी, देवी देवियां स्वर्गलोक की, वो कृष्ण को देख ही नहीं पा रही थी और बहुत प्रार्थना कर रही थी, कृष्णा हमें देखना है। और जो देख कर आए थे पूतना से पहले, वो बोलते थे क्या कृष्ण है, आपने देखा ही नहीं उसको, मतलब यू नो ऐसा जलाती भी है ना कभी कभी, तो वो सोचती थी अरे अब देखा ही नहीं हमने, और जाने का प्रयत्न करती थी, एंट्री क्लोज्ड। अभी पता नहीं ना ऐसे पूतना आई, पता नहीं कौन कौन सा रूप लेकर आएगा, एंट्री इज क्लोज्ड इन वृंदावन। तो सारी जो देवियां थी स्वर्ग लोक की, वो प्रार्थना कर रही थी कि कृष्णा दर्शन दो दर्शन दो। तो इस लीला के माध्यम में कृष्णा इतना ऊपर गए कि स्वर्ग लोक में भी देवी देवता उनके दर्शन कर रहे थे। अरे वाह वाह वाह, कौन लेकर आया, तृणावर्त। तो वहां पर गए, और जैसे ही कृष्णा वहां पर गए, कृष्णा भयभीत हो गए, मतलब नाटक करने लगे। और जैसे एक बालक भयभीत होता है तो क्या करता है, पकड़ लेता है जोर से जो एक अपने पिता को या माता को जोर से। तो कृष्ण ने वैसे ही जोर से तृणावर्त को गर्दन में पकड़ लिया, और बाद में बहुत भारी बनने लगे। तो देखो भारी हल्का भारी, ठीक है ना, सैंडविच तीनों में। तो इतना भारी बन गए तो तृणावर्त उसको निकालने का प्रयत्न कर रहे थे और फेंकने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन कृष्ण कह रहे थे कि नहीं, हमने पकड़ लिया, मतलब पकड़ लिया। तो तृणावर्त को, तो तृणावर्त बहुत शक्तिशाली योद्धा थे तृणावर्त, सोचो इतना ऊपर जाना, मतलब सादा रॉकेट नहीं है ये, कितना कितना मटेरियल चाहिए उसको इतना ऊपर जाने के लिए, अपने विजय प्रभु कैन डू फिजिक्स बिहाइंड दिस मटेरियल। तो इतना ऊपर चले गए, फिर भी अब वहां से कृष्ण इतना भारी बन गए, दूर भी नहीं जा रहे थे, भारी भी बन गए थे और छोड़ भी नहीं रहे थे। तीन चीज वेद यू नो यहाँ पर आचार्य कहते हैं, दूर भी नहीं, तृणावर्त उनको निकाल भी नहीं पा रहा था, और ऊपर भी नहीं लेकर जा रहा था, और कृष्ण भी छोड़ नहीं रहे थे। और ऐसा करते करते बिल्कुल कृष्ण इतने भारी बन गए कि तृणावर्त को ऊपर उड़ना अब नामुमकिन हो गया, और तृणावर्त नीचे नीचे आने लगा, और 12 लाख किलोमीटर से बिल्कुल वही स्पॉट पर तृणावर्त आकर गिरे जहां पर से उन्होंने कृष्ण को उठाया था। कृष्ण भगवान की जय, ठीक है ना, रिलॉन्चेबल व्हीकल तृणावर्त अपना है भागवत में। तो ज्यादा प्रभुपाद जी लिखते हैं, वन शुड नॉट गेट टू एक्साइटेड विथ मटेरियल इन्वेंशंस, दीज आर ऑल ऑलरेडी डन एंड डस्टेड इन भागवतम। आपको विश्वास नहीं होगा कि रूप गोस्वामी उनके लघु भागवतामृत में लिखते हैं कि इसके पहले जो बुद्ध अवतार आए थे, आज के जो बुद्ध अवतार आए, वो किसके लिए आए, जो यज्ञ में हिंसा हो रही थी उसकी हिंसा को रोकने के लिए आए, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले जो बुद्ध अवतार आए, वो इसके लिए आए कि तब क्या हो रहा था, तब क्या हो रहा था कि लोग इंटर प्लानिटरी ट्रैवल बहुत ज्यादा कर रहे थे। मतलब यू नो चलो आज ब्रेकफास्ट पृथ्वी पे लिया, तो लंच के लिए मंगल पर जाएंगे, और डिनर के लिए वीनस पर जाकर कल का ब्रेकफास्ट हम सन पर लेंगे। ऐसा इंटर प्लानिटरी ट्रैवल चल रहा था पहले मनवंतर में, और बहुत ज्यादा ही चल रहा था, मतलब पृथ्वी खाली होने लगा, घूम ही रहे लोग। आजकल सैटरडे संडे आप देख सकते हो, एवरीबडी इज ऑन स्ट्रीट, ठीक है। तो वैसे
तो ये टू स्टॉप दिस इंटर प्लैनेटरी ट्रैवल बुद्ध अपीयर्ड. बुद्ध आए अगले मन पहले वाले चतुर्युग में और कहने लगे कि इतना भी ट्रैवल मत करो, अपना पृथ्वी अच्छा है, इधर ही रहो. तो अलग अलग कारण के लिए आते हैं. तो प्रभुपाद राइट्स देयर, नथिंग इज न्यू इन मॉडर्न साइंस, इट्स ऑल इन्वेंटेड प्रीवियसली. डिस्कवरी इज जस्ट गिवन टू इल्यूजन, यू नो, टू पुट टू परपेचुएट द इल्यूजन प्रोग्रेसिवली. इसीलिए मॉडर्न साइंस शुड बी यूज्ड इन कृष्णा सर्विस एंड इट शुड नॉट बी, वन शुड नॉट गेट बिविल्डर्ड बाय दिस. ठीक है ना. तो यहाँ पर वहीं पर आए और जैसे ही धड़ाम से गिरे एक बहुत बड़े शिला पर, तृणावृत गिरे तो उनके टुकड़े टुकड़े हो गए वहाँ पर. लेकिन सारे ग्वाल बाल वहाँ पर दौड़ने लगे और ये उन्होंने नहीं सोचा कि इतना बड़ा राक्षस है, हमें क्या करेगा. उनको सिर्फ कृष्ण के बारे में ही चिंता थी और वहाँ पर जाकर कृष्ण को लिए. और अब ये सारी माताएं, एल्डरली लेडीज, एल्डरली गोपीज ऑफ वृंदावन जोर से डांटने लगे यशोदा को, कहने लगे कहाँ रखा था यशोदा तो. अब यशोदा मैया बेचारी फिर से और मायूस हो गई. तो इस प्रकार से अगला लीला आता है, तृणावर्त की लीला. तो ये ज़्यादा बड़ी लीला नहीं है, देखते इसको ये चलता है कि इधर. तो ये तीन लीलाएं हम आज इसका वर्णन कर रहे थे, पूतना उद्धार, तृणावर्त उद्धार और शकटासुर उद्धार. तो कृष्ण का जो नाम और रूप है और उनके जो कार्य है वो एक समान ही है. ठीक है ना. तो एक श्लोक चैतन्य चरितामृत आता है, इसको पढ़ते हैं. कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद, कृष्णेर स्वरूप सम सब चिदानंद. तो कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनकी लीला और उनके कार्य सभी सच्चिदानंद है, चिदानंद है. तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें जो चैंटिंग दिया है, चैंटिंग ऑफ 16 राउंड्स, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, तो वो कृष्ण से अभिन्न है, अभिन्नत्वम नाम नामिना. ठीक है. दूसरा श्लोक जो सुखदेव गोस्वामी को बहुत प्रिय था, ये था द ब्यूटी ऑफ कृष्णा इन वृंदावन. तो कृष्ण भगवान की सुंदरता अलग अलग स्थान पर अलग अलग है, लेकिन उनकी सर्वोच्च सुंदरता है वृंदावन में. और ये बहुत सुंदर श्लोक जिसको सुखदेव गोस्वामी बहुत ही पसंद करते थे कृष्ण की सुंदरता के लिए, इसको हम पढ़ते हैं अभी. यस्यानन मकर कुंडल चारु कर्ण ब्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवम नति त्रिभेर तत्रुपुर त्रिशभेर पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च. कृष्णस फेस इज डेकोरेटेड विद ऑर्नमेंट्स सच एज इयररिंग्स रिजेम्बलिंग शार्क्स. His ears are beautiful, cheeks are brilliant, and is smiling attractively to everyone. Whoever sees Lord Krishna sees a festival. तो भगवान को, भगवान का दर्शन ही उत्सव है. ठीक है ना. नित्योत्सवम, उत्सव है, भगवान का दर्शन ही उत्सव है. His face, his body are fully satisfying to everyone to see, but the devotees are angry at the creator for the disturbance caused by the momentary blinking of their eyebrows. So ये ब्रजवासी विशेष रूप से ब्रह्मा जी को कोसते थे और कहते थे किस प्रकार का शरीर बनाया, आँख के ऊपर पलक भी बनाए, कृष्ण को देखते हैं तो पलक झपकते हैं तो कृष्ण का दर्शन खंडित हो जाता है. तो इस प्रकार से, तो ये कृष्ण की सुंदरता के ऊपर श्लोक है. और ऐसे दिस इज द एक्सट्रीम फॉर्चून ऑफ ब्रजवासीज. तो ये जो ब्रज भक्ति है बहुत ही दुर्लभ है. जो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रील प्रभुपाद और परंपरा हमें प्रदान करती है ब्रज भक्ति, वो अति दुर्लभ है. और ये श्लोक, ये और अगला श्लोक स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं वृंदावन में, इसको पढ़ते हैं. अहो ति धन्या ब्रज गोरमण्या स्तन्यामृतं पीतमतीवते मुदा यासां विभो वत्सतरात्मचात्मना यतृप्त येद्यापि न चालमध्वरा. ब्रह्मा जी कहते हैं अहोति धन्या, अति धन्या ब्रज गो रमण्या. वृंदावन के गो मतलब गाय और वृंदावन के ब्रजवासी माताएं
अति धन्य है स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा, एक साल के लिए लगभग ब्रह्म विमोहन लीला में सारे गाय का दूध बछड़े पीते थे और माताओं का दूध गोप बालक पीते थे, और ये बछड़े और गोप बालक कौन थे? कृष्ण ही थे, ठीक है ना। और आगे कहते हैं अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। तो यहाँ पर कहते हैं कि देखिए भाग्य नंद महाराज जी के और बाकी ब्रजवासियों के, जिनके आंगन में यन मित्रम परमानंदम, उनके परम मित्र और परमानंद प्रदान करने वाले पूर्ण ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म उनके आंगन में रेंग रहे हैं एक बालक के समान।